वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडे सारयां दा निघा स्वागत करदा। असीं जिहड़ी वीकली क्लास लैंदे हाँ जूम ते, उहदा लास्ट वीक दा टॉपिक सीगा आइडेंटिटी क्राइसिस, जिहड़ा असीं स्पैशली टीनेजर्स वास्ते रख्या सीगा। ते इस वारी असीं उहनूं जनरलाइज वे च समझांगे कि सानूं आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होंदी हैगी और हर एज च होंदी है। जिवें लास्ट वीक वी असीं समझिया सीगा, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द टीनेजर्स, बट हर एज विच यह आइडेंटिटी क्राइसिस आती है, बिकॉज असी अपने आप को हले जानते ही नहीं हाँ, अपने आप को पछाणते ही नहीं हाँ कि असी है हाँ कौन, हु वी आर। सो टू नो आर सैल्स, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण वाली जी थ्योरी सानू गुरबाणी तो मिलती हैगी है, उन्हें समझने वास्ते सानू यह समझना पेगा कि गुरबाणी के जोड़े सिद्धांत मेरे जीवन के उत्ते अपलाई होंगे ने, वो मैं कद और इंपोर्टेंस कद जानांगा। जदों उहदी वैल्यू मैनू समझ आनी शुरू होएगी तां ही मैं अपने आप नूं चेंज करन दी कोशिश करांगा। सो असी ना अज अपनी मनोहर शख्सियत घड़न दी दा जतन करांगे गुरबाणी दे सिद्धांतां दे अकॉर्डिंगली, कि असी अपने आप नूं किवें बदलना है, अपने आप नूं किवें अपनी सोचनी नूं किवें बदलना है। बिकॉज थॉट प्रोसैस जो बिलीफ सिस्टम हैगा मेरा, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो मेरा थॉट प्रोसैस मैनू कुछ भी चीज़ समझाता है, मेरी माता मत हैगी मैनू जो भी समझाती हैगी है, मेरी लाइफ उसी अकॉर्डिंगली चलती है। आई लिव अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ सिस्टम, मैं जो भी सोचता है। सो जो असी बाणी के आधार से अपने आपू अपनी लाइफ में रिफ्लैक्ट करते हैं कि मैं अपने जो अपने आचरण देखता, अपने करैक्टर देखता, तो एक सवाल खड़ा होंगे कि मैं अपने जीवन का आधार सतगुरु की मत में रखिया या अपनी मन की मत में रखिया। सो जो डिवाइन विजडम मेरे जीवन का आधार बन जाता है तो मैं अपने जीवन का एक फोकस नज़र आता है कि मैं अपने जीवन में किस पासे लैके जाना है। सो मेरे ख्याल अज असी थोड़ा फोकस, मैं वीकली हाले ज्वाइन नहीं किया बट असी उन्होंने रिक्वेस्ट करांगे कि अज का फोकस थोड़ा इस वल रखन कि मैनू बड़ी सारी रिक्वेस्ट आई ने कि हाउस वाइफ अपने आप को बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस फील करते हैं कि असी जिंदगी दे विच कुछ देखा नहीं, असी कुछ किया नहीं, तो असी लाइफ विच की करिए कि सानू ऐसा कुछ समझ आए कि असी लाइफ विच की अचीव किया। दे रियली हैव दिस आइडेंटिटी क्राइसिस, बट मैं उन्होंने यह कहना चाहता है कि जिंदगी दे विच ए कदी ना सोचियो कि कदी तुसी कुछ नहीं किया, बिकॉज बीइंग अ हाउस वाइफ इज द बिगेस्ट टास्क, इट्स अ मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज इन द लाइफ, बिकॉज बीइंग अ होम मेकर तुसी एक ऐसी जॉब कर रहे हो जी 24/7 हैगी है, 365 डेज हैगी है, जिद कोई छुट्टी नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई एप्रीसीएशन नहीं मिलती कई बार, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू यू कि तुसी उसनू इन्नी बखूबी निभाते हो, अपने हर इमोशन नू दबा के, अपने हर फीलिंग नू दबा के, अपनी फैमिली वास्ते इतना निस्वार्थ होके वो माँ वाला रोल, वो पत्नी वाला रोल, वो नू वाला रोल, हर रोल नू इतनी इंपॉर्टेंटली और इतनी नाइसली प्ले करते हो कि इस तरह की अचीवमेंट, इस तरह की आइडेंटिटी ते कोई पढ़िया लिखिया MBA या कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता। यह चीज़ा सानू संस्कार तो मिलदी है, यह घरों मिलदी ने, ये वास्ते कोई PhD नहीं करनी पैंदी, ये वास्ते कोई थीसिस नहीं लिखनी पैंदी, ये वास्ते कोई सानू पढ़ा नहीं सकता, यह साडी माँ प्यो सानू सिखांदे ने, असीं घरों यह चीज़ा सीख के आते हैं। सो यह तो बहुत ही वड्डा अचीवमेंट हैगा, आई फील कि यह रब्बी गुण हैगा, रब्बी दात हैगी है लेडीज़ नू कि वो इन्नी वड्डी अचीवर्स हैगियां इन लाइफ, एंड बट अनलकीली अनफॉर्चुनेटली दे फील कि दे हैवंट डन एनीथिंग इन देयर लाइफ, बिकॉज वो अपने आप को कंपेयर किस नाल कर रही हैं, जिहड़ियां कुड़ियां बाहर जा रही हैं, जिहड़ियां कुड़ियां कोई करियर बना के बैठी हैं, पैसा कमा रही हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो उन्होंने देख के उन्होंने लगता है कि असी कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया, सो दे ट्राई टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, इट्स वेरी गुड टू डू समथिंग इन देयर लाइफ। मैं नहीं कह रही कि उन्होंने जिंदगी कुछ नहीं करना चाहिए, जरूर करें, बट हाँ यह वाली जी हीन भावना हैगी है ना कि मैं जिंदगी दे विच कुछ अचीव नहीं कर पाई, है थोड़ी जी ना उन्होंने इस एंगल तो सोचना पेगा अपनी विवेक नाल
कि मैं बहुत कुछ अचीव किया, मेरे वड्या ने संस्कार दिते, मैं अपने बच्चों अच्छे संस्कार अगे पास ऑन कर दिया। इस तो वड्डी कोई अचीवमेंट नहीं हैगी है कि तुसी अच्छे संस्कार लैके आए, वही अच्छे संस्कार तुसी अपने बच्चों अगे दिते। इट इज़ अ बिग 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 अचीवमेंट। मैं तो चाहता कि इस चीज़ बारे दे शुड फील प्राउड, दे शुड कैरी दिस प्राइड कि सानू इस तरह की जॉब असी करते हैं जिद कोई क्रेडिट ना मिलने तो बावजूद भी इन्नी निस्वार्थ सेवा, इन्नी सैल्फलैस सेवा एक औरत ही कर पाती है, एक लेडी ही कर पाती है। सो मैं वीर जी को रिक्वेस्ट करा, आइडेंटिटी क्राइसिस का यह वाला पॉइंट अब पक् जरूर छेड़न कि जो हाउस वाइफ नूं कि सानू जिंदगी असी कुछ किया नहीं है। बिसाइड दैट असी होर भी पक्ष देखांगे कि असी इस बीमारी का शिकार क्यों होंगे। उस तो सब तो वड्डा रीजन मैनू जो लगता है दैट इज कंपैरिजन। असी अपने आप को ना दूजे तो कंपेयर करते हैं कि दूजा की कर रहा है। यू ऑलवेज सी वट अदरस आर डूइंग, समाज में की हो रहा है, समाज में की चलन है, अज फैशन किस तरह का है, दोनों पासों बाल खड़े करके कलर करके समथिंग और द अदर, या फैशन कैसा चल रहा है, अज बूट कट चल रहा है, अज छोटे कपड़े पाने ने, अज कुछ इस तरह का पाना है। सो असी समाज में देख के अपने आप को बदलते हैं, जबकि सानू चाहिए कि है साडा नजरिया की होना चाहिए है, असी अपने प्रिंसीपल के उत्ते कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करिए, अपने सिद्धांतों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करिए। समाज साढ़े तो ही बनया, असी समाज बनाते हैं, बट दूजे देख के गलत करना यह मेरी बहुत बड़ी वड्डी काट हैगी कि असी अपने गुण छड़ देने दूजे देख के। सो वी स्टार्ट कंपेयरिंग। एक सब तो वड्डी प्रॉब्लम मैं देखी जी आम यूथ होंगी हैगी है, अक्सर यह कहते हैं कि मेरा फ्रेंड बड़ी वड्डी MNC च काम कर रहा है, वो मेरे तो घट पढ़िया लिखा, मैं MBA हैगा, मैं फलानी डिग्रियां लिया ने, बट मैनू अच्छी जॉब नहीं मिली। वो बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि मैनू इन्ना कुछ पढ़न तो बाद, इन्ना सब करन तो बावजूद भी मैं उस लैवल तक नहीं पहुँच पाया। सो सानू यह समझना पेगा कि हर एक की अपनी जर्नी हैगी है, हर एक की अपनी मेहनत हैगी है, वो पिछे वो किन्नी मेहनत की है, की किया है सानू नहीं पता। असी सिर्फ उपरों उपरों देख रहे हैं कि उन्हें पढ़िया किन्ना है ते मैं किन्ना पढ़िया। असी सिर्फ अपना एक्शन करना, अपना एफर्ट्स करते हैं जिदे नाल मैं अपनी आइडेंटिटी नूं पहचान सका कि मैं किस जोगा है ते मैं वो काम करना है। ते साडे जिवें मैं पहले भी कहा कि साडे संस्कार साडी शख्सियत नूं बणाउंदे ने, ते साडे संस्कार की ने, जे असी सतगुरु दे नाल जुड़े हाँ, सतगुरु दी मत नाल जुड़े हाँ, मन नूं अपने स्ट्रोंग बना के सिद्धांतां ते खड़े हाँ, ते मैं कदी भी थिड़कांगा नहीं। कोई मैनूं कुछ भी आके कह देगा तू चंगा नहीं लगता, तू है, तू इहदे कपड़े पहनदा, तू भैंजी लगती है, तू है की पानी है, ते मैं कदी भी अपने उस सिद्धांत तो नहीं थिड़कांगी या थिड़कांगा कि किसी ने मैनूं कुछ कह दिता, किसी ने मेरे ते परसनल कमेंट कर दिता। सो वॉट, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी गाना सुनिया हुआ है ना, तो लोकी तो कुछ ना कुछ कहेंगे। सानू अपने उपर निश्चय होना चाहिए, सानू अपने उपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार ना बना कि किसी ने कुछ कहता तो मैं अपने गुण में छड़ के उसे अवगुण में कन्वर्ट कर दूं। सो जे अपनी असी अपने डिवाइन विजडम नाल जुड़ के अपने आप नूं पछाणीए तां सानू साडे जीवन दा मनोरथ मिलेगा। अज असी कोशिश करांगे कि असी उस मनोरथ नूं लभीए, कि अपनी आइडेंटिटी नूं अपने आप नूं आइडेंटिफाई कर सकीए कि असी कित्थे खड़े आ ते की करना है। सो सानू ना एक अंदर एक होप जगानी पेगी, एक उम्मीद जगानी पेगी। वो उम्मीद की हैगी है, मैं कितें पढ़ रहा सी, वो लिखते ने कहंदे ने आस मिश्री सॉरी आस वो मिश्री है जो जीवन नूं ना मिठा बनाती है। सो सानू आस रखनी है कि मैं बदल सकता हाँ, मैं कुछ कर सकता हाँ जिंदगी दे विच। अज इह वाला आस लैके जावांगे ना, होपफुल होवांगे, ते असी शायद अपने जीवन नूं बदल सकते हैं। साडे नाल वीर जी जुड़ गए ने, मैं वीर जी नूं रिक्वेस्ट करांगा कि अगे दी क्लास ओ प्लीज कंडक्ट करन। ते एक क्वेश्चन साडे कोल आया होया है, भावना जी नूं किसी ने पूछा सीगा, भावना जी साडे नाल जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करा भी जी लास्ट वीक का क्वेश्चन है। सो वैसे तो असं लास्ट विच क्वेश्चन लेने हैं, बट इफ यू वॉन्ट की इफ यू परमिट मी इफ यू अलाउ मी असं यह सवाल पहले ला सकते हैं, क्योंकि यह पिछले हफ्ते की कंटीन्यूशन सानू सवाल आया है, तो भावना जी नूं किसी ने पूछा सी, तो मैं भावना जी नूं रिक्वेस्ट करांगा कि वो डायरेक्ट तुहाडे नाल सवाल करना चाहते हैं, नहीं तो मैं रीड कर सकता। उपिंदर जी
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैन यू हियर मी? वेरी क्लियर। ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਆਵਰ ਟੋਪਿਕ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੀ ਕੈਨ ਯੂ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਵੈਨ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਦਿਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਇਟ ਸੀਮ ਲਾਈਕ ਵੀਰ ਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਵਿਮੈਨ ਵੇਅਰਿੰਗ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਪ ਐਸ ਪਰ ਦੇਅਰ ਚੋਇਸ ਔਰ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਐਸ ਪਰ ਦੇਅਰ ਪਰਸਨਲ ਟੇਸਟ ਔਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਲੋਨਸ ਔਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੇਅਰ or jewelry of their choice. So, this is the question they want to know, why you are not in favor. It seemed like this to them. If it is correct, why? If it is incorrect, why so? Can you explain in simple manner like Hindi or Punjabi? Question? Please. Okay, sorry, I was put on mute. Simple question hai, unhone ye puchhe hai ki last time bhi jehdi tuhadi conversation hui si, us discussion to ek nichod niklya, ek crux niklya, jo kehnda hai, jide hisab naal unhon nu is tarah feel hoya that you are strongly against women wearing cosmetics, females apne saath na jewelry nahi pehen pa sakdi ya salons nahi ja sakdi ya apne choice de kapde nahi pa sakdi ya apne saath na taiyar nahi ho sakdi ya te is it so je unhon nu is tarah bahut strong feeling aayi pichle discussion to baad that you are not in favor te je tusi favor vich ho te ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੈਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਉਹ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਇੰਝ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਲਗਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਔਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਨੀ।
ओके मैं ट्राई करता हूँ हिंदी में, मेरे को टेक्स्ट बार बार। एनीवेज हमने पिछली बार का टॉपिक शुरू किया था बूंद जोबन बाली से, जिसको हम बोलते हैं पर हम अपनी सारी उम्र में अगर टीनेज वाली अवस्था में ही रहते हैं तो ये फीलिंग होती है आई नो द बेस्ट, मेरे को किसी से कुछ सुनना नहीं है और मेरे को अपने रूप के ऊपर घमंड है, मैं रूप सुंदर या कुरूप किसी को बयान करता हूँ करती हूँ, ऐसे हमने इसको डिस्कस किया था। पर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि तुम जो मर्जी लगाओ लेकिन अपनी इनर ब्यूटी बनाने वाली बात तो करो ना, वो आपकी जो इनर ब्यूटी है वो आपका सेल्फ है, वो आपकी आईडी है। तो मैंने ना पहले जब मैं बात कर रहा था वो सेंटेंस रह गया, किसी ने किसी से पूछा था, एक लड़के ने ना अपनी ब्रांड नेम की कार में बैठ के आया, उसने सोने की बड़ी मोटी सी चेन ही पहनी हुई थी, हाथ में भी ब्रेसलेट पहनी हुई थी सोने की, यहां पर बहुत बढ़िया घड़ी से रोलेक्स पहनी हुई थी और छाती के दो बटन खोले हुए थे, ब्रांड नेम की शर्ट पहनी हुई थी, है ना, बड़ा अपना हेयर स्टाइल भी बनाया हुआ था, सब कुछ वो ना ऐसे करके बड़े अच्छे शूज पहने हुए हैं, सारा कुछ उसका बहुत उसने ना वो पहना हुआ था। तो किसी ने उसको बोला तुम कौन हो, उसने अपना नाम बोल के अपनी जात भी बोली, मैं फलानी जात का हूं। तो उसने कहा अच्छा अगर आपकी जात आपसे ले ली जाए तो आप कौन है, फिर उसने बोला मेरा ये नाम है मिस्टर एक्स। तो उसने कहा अच्छा अगर आपकी ये जो सोने की चेनी है और ये ब्रेसलेट हम अगर उतार दें तो, कहता नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप अपने आप को शो करते हो भैया आप ब्रांड नेम की बढ़िया कार में आए हैं, अगर आपकी कार ये किसने लेके दी है, तो बोला ये सारे कपड़े ये सोने की चेन ये कार और जात ये सब मेरे पापा ने लेके दिया है। उनका देन हु यू आर, हम क्या हैं, ये जो आ गया ना इसके मुताबिक जो मर्जी लाओ जो मर्जी पाओ जो मर्जी श्रृंगार करो जो मर्जी तुमने अपनी बाहर की आईडी बनानी है बनाओ, मैं तो नहीं रोक सकता। पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूं तो असल में मैं कौन हूं, असल में तो मैं वो हूं जो मेरे पास मेरे क्वालिटीज हैं मेरे गुण हैं या मेरे डेफिशिएंसीज हैं, वो मेरे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो उनके कारण मेरा एटीट्यूड बनता है ना। तो जो मैं अपना एटीट्यूड फिक्सअप करूंगा ना जुजार जी, हाँ जी, उस एटीट्यूड को पहचानेंगे हम, उसकी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे हम, ये ऐसे आईडी नहीं बनाएंगे भी लोग क्या कहते हैं लोग क्या चाहते हैं। हाँ नोशन में ऐसे ही अभी तुम ये पहनो ऐसे पहन के अपने आप को पोर्ट्रे करो, वो तो कैपिटलिज्म की और मार्केटिंग की गेम है, वो तो हमको ऐसे रियलाइज कराते ही हैं। पर नोशन ये बन गई है, आज आपने टॉपिक में रखा जुजार जी के करियर को लेकर खास तौर से नौजवानों को आईडी प्रॉब्लम होती है, हालांकि पिछली बारी हमने ये भी डिस्कस किया सिर्फ नौजवानों को नहीं होती है, जेड़े बुड्ढे हो जाते हैं वो भी अपने दोतरे पोतरे और अपने बच्चों को वही शो ऑफ की गेम में रखते हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कौन से स्कूल में गया है कहाँ पर पढ़ता है स्कूल एयर कंडीशन है कि नहीं इसकी बस आती है कि बहुत बढ़िया कार में शोफर ड्रिवन छोड़ने जाता है ये है वो है, वो भी तो बनाते हैं ना। तो अच्छा चलो हम जॉब के यहाँ से ले लेते हैं, आप डॉक्टर बनो आप इंजीनियर बनो आप वकील बनो आप कुछ भी बनो या आप हाउसवाइफ बनो या आप बिजनेसमैन बनो, मेरे को लवली अमरजीत सिंह जो ज्ञानी जिनका ब्रांड नेम है
आइसक्रीम वाला, वो मेरे को बोलता है हम ना जब स्कूल में पढ़ते थे ना ज्यादा पढ़ने का दिल नहीं करता था। मैंने कहा क्यों? कहता हमें पता था हमने तो बिजनेस मैन ही बनना है। हाँ, ये पॉइंट बड़ा विचारने वाला है। मोस्टली क्या होता है, जो बच्चे ये सोच रहे थे हम तो बिजनेस मैन ना, हमने तो अपने बिजनेस में बैठना है, तब भी अपना व्यवहार तो देखना ही पड़ेगा ना, तब भी अपना एटीट्यूड, अपने पास क्या क्या क्वालिटीज है, वो वाला अपना एसेट तो रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा ना। सो आप पढ़ाई करो या ना करो, आप अमीर हो के गरीब हो, आपके पास कार है या नहीं है, आप ब्रांड नेम के क्या कॉस्मेटिक्स और कौन से कपड़े पहनते हैं, आपने कौन सी जॉब, लो जी अब मम्मी पापा डिसाइड करते हैं या नोशन में पब्लिक डिसाइड करती है इसका बेटा क्या है, इसकी बेटी क्या है, उसने क्या पढ़ा है, वो कितने लाख का पैकेज लेती है, लेता है, या इतने करोड़ की इसकी टर्नओवर है, ये करता है वो करता है। हमने तो यही वाली बार की आईडी बनाई हुई है ना, ये जो हमने बार की ये वाली आईडी बनाई हुई है ना। हो सकता है कि मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, हो सकता है कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, हो सकता है कि मैं शेफ बनना चाहता था, हो सकता है कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता था, कुछ भी, वो मेरा पैशन था, वो मेरी इनर वॉइस थी, वो मेरी ड्राइविंग फोर्स थी, पर मैंने लोगों के मुताबिक। सो ये जो बार का सवाल पैदा हुआ है ना कि कॉस्मेटिक्स लगाना क्या मना है, हम तो नहीं किसी को मना कर सकते, आप जो मर्जी लगाओ, पर अब ना ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बीमारी है, इसका नाम आइडेंटिटी क्राइसिस रखेंगे। मेरे को एक लोग याद आ गया, फरीद जी बोलते हैं, फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पक, दर दरवेशी, दर दा वेश, दर दा वेश मतलब गॉड से मिलने का, गॉड के एम्पायर में, उसके पैलेस में जाने का जो वेश होता है ना, वेशभूषा, बारली नहीं, जो मेरे थॉट प्रोसेस के ऊपर रोब ऑफ ऑनर पहन, डिवाइन विजडम का चोला जो पहना है, दर दरवेशी गाखड़ी, गाखड़ी होता है वो मुश्किल हो गई, क्यों हो गई, चलना दुनिया पात, मैं ना लोगों के अनुसार चलता हूं। और ये अगर हम बाहर के रूप और बाहर के दिखावे को अपना बना रहे हैं, तो वो बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बनाओ या ना बनाओ, वो इनर ब्यूटी वाला जो दर का वेश पहनना है ना, उसको स्पिरिचुअलिटी का चोला पहनने कहते हैं, हिपोक्रेसी का नहीं, दुनिया के मुताबिक वाला परसोना नहीं लगाना। वी आर नॉट सपोज टू बी हिपोक्रेट, एंड वी आर नॉट सपोज टू बुली एनीबडी, उसको टॉन्ट भी नहीं करना, उसको बुली भी नहीं करना, अबे क्या लग रहा है, ये क्या पहना है, तू कैसी लग रही है, ऐसे हमने किसी को वो नहीं करना, पर अपना दर दरवेशी गाखड़ी को जो मुश्किल बन गई है सब्जेक्ट टू पीपल, उसको आसान बनाना है। मेरा जीवन जीना मुश्किल हो गया, मैं किस किस को सेटिस्फाई करूं, है ना, कोई कहता है, कोई कहता है ये ना पहन, कोई कहता है ये तो बैकवर्ड है, ये तो पिछले 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 विंटर का सीजन था, ये तूने क्या पुरानी पहन ली, ऐसे बोलते हैं ना लोग एक दूसरे को। अच्छा ये कौन सा फोन तूने रखा हुआ है, नया फोन आ गया है क्या, बैकवर्ड सा फोन रखा हुआ है, ये कौन सी पुरानी सी कार रखी हुई है, ये तुम कौन सी कॉलोनी में रहते हो ना, तुम्हारा मकान इतना पुराना है, ऐसे हम एक दूसरे को टॉन्ट नहीं करते हैं। सो मेरा स्पिरिचुअलिटी का पाथ, जिससे मेरी इनर ब्यूटी बननी थी, जो मेरी रियल सेल्फ है, जो मेरी रियल आईडी है, कहो कबीर राम की अंश। लास्ट वीक रमन दीदी ने बोला था, हम सारे गॉड की क्वालिटीज को सीख के जीना है, पर हम गॉड के बदले लोगों के मुताबिक डॉग बन गए। तो गॉड की क्वालिटी
गॉड का वेश धारण करना है, गॉड लाइक क्वालिटीज का, मोरालिटीज का, आइडियल्स का, निर्मल कर्मों का वेश धारण करना है ना, फिर आसान हो जाएगा जीवन। हर प्रॉब्लम में सुने हाथ हुए असगाह, हर प्रॉब्लम के समुन्द्र में जीना आ जाएगा, हैंडल करना आ जाएगा। गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चला तो पिज्जा कमरी, राह तो टुटे ने पिज्जो सिज्जो कमरी, अल्लाह वर्सो ने जाए मिला तीना सजना, टुटो नाई ने। अब ये जो जितने मर्जी प्रॉब्लम्स के चिक्कड़ आएंगे ना, मैं इनमें ना बैलेंस्ड निकल सकूं, वो वाला वेश। दर दरवेशी गाखड़ी, फरीद जी बोलते हैं, फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी, चलना दुनिया पात, बन उठाई पोटली किथे वंजा कात। बन उठाई पोटली क्या होता है? मैंने ना डेफिशिएंसीज की, डीमन थॉट्स की, वाइसेस की पोटली सिर पे बांध ली, उठा ली, अपने थॉट प्रोसेस में डाल ली, कि कैसे लोग हेरा फेरी करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे मुकर जाते हैं, कैसे एक दूसरे को टॉन्ट, कैसे एक दूसरे को बुली करते हैं, दूसरों को नुकसान करके आप खुश होते हैं, किसी की तरक्की पे खुश नहीं होते हैं, कोई गिर जाए तो हंसते हाँ हाँ हा, गिर गया, ये सारा लोग करते हैं ना। वो अवगुणा की बनना है गंठड़ी, गुणना भी आ जा कोई। Don't follow people. If you will follow people, बान उठाई पोटली किथे वंजा कात, जीवन का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। हर टाइम प्रॉब्लम्स के तूफान आते हैं और तू फेस नहीं कर पाएगा। इसलिए फरीद जी कहते हैं, डर का वेश धारण कर। डर का वेश मतलब स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन, उसको रोब ऑफ ऑनर कहते हैं, उसको कर्मी आवे कपड़ा कहते हैं, है ना, उसको बोलते हैं आ, आ, प्रेम पटोला तैशा दित्ता टक्कन कु पत मेरी। उससे डीमन पाव जम पाव वाइसिस हमारी इज्जत को लूटते नहीं है। जिस लड़के ने सड़क के ऊपर दामिनी से मिसबिहेव किया, उसकी पत को लूटना, पहले वो लड़का यहां से लूट गया, उसकी चोल, उसने विजडम का चोला पहनने की बजाय यहां पर दुर्मत का, पैड़े ख्यालों का, दुर्योधन के ख्यालों का, कौरव के ख्यालों का, वाइसिस के ख्यालों का चोला पहना हुआ था। इसलिए उसको दामिनी को देखते हुए लिहाज, प्यार, नम्रता, हलीमी वाली क्वालिटीज नहीं आई ना यहां पर, उसने गलत चोला पहना था, उसकी पत लूट ली पहले ही जमों ने, वो तो बाद में उसने मिसबिहेव किया ना उसके साथ, पहले यहां पर रॉन्ग थॉट प्रोसेस आया। सो फरीद ही बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। अब ना इसको ना हम ना आगे लेके चलते हैं कि हमने ना लोगों को नहीं दिखाना कौन कितना कमाता है, कौन क्या करता है, किसके मुताबिक हमारे बच्चे का रिश्ता होगा, लोगों के मुताबिक रिश्ता होगा, साड़ी कुड़ी बड़े वड्डे कार पे आई है, मेरा मुंडा बड़े वड्डे कार पे आया है, इतना कुछ दाद में मिला था, शादी ऐसे हुई थी, ये ऐसे रोटी परोसते हैं, ऐसे वहां पर डीजे बुलाया था। अब ये सारी बातें जो करते थे, अब उनको प्रॉब्लम आ रही है, लो जी 25 बंदे से ज्यादा नहीं जाए। मैंने कहा 25 नहीं 50 है, कहते नहीं लड़की वालों के भी तो 25 होएंगे ना। क्योंकि आदत पड़ी थी 500-500 1000-1000 की पार्टी अटेंड करने की। मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है आपकी शादी के लिए? वीर जी वहां डीजे भी नहीं बुला सकते। मैं क्या, वो क्या हो गया? अच्छा ये तो सारा शो ऑफ के वो बनाए हुए थे, दुनिया के मुताबिक चल रहा था, अपनी आईडी की क्राइसिस है, पता नहीं है मैं कौन हूं। जो लोगों ने नाम्स बनाए हुए ना, मैं उनको फॉलो करता रहता हूं। मैं सोशल एक्सेप्टेंस चाहता हूं, मैं सोशल एक्सेप्टेंस का मेरे को वायरस मेरे अंदर घुर गया है, ये आईडी क्राइसिस है। अजी आपने जो जॉब करनी है करो, आपने जो बिजनेस करना है करो, आपने जो फैशन करना है करो,
आपने जो कॉस्मेटिक्स लगानी है और ब्रांड नेम के शो ऑफ करने हैं, करो जैसा मर्जी करो, पर अल्टीमेटली शादी के बाद या कॉर्पोरेट सेक्टर में बिफोर शादी और आफ्टर शादी, वो जो करियर का बुखार चढ़ा हुआ था ना लोगों को दिखाने के लिए, वो तो मिल जाएगा, पर अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इन-लॉज के साथ जो डील करने वाली आइडिया वो अंदर है। ये वाला जो वैनिटी बॉक्स पिछली बारी मैंने बोला था, वो काम नहीं आएगा कि मैंने अपने पति से कैसे डील करना और सास के साथ कैसे डील करना है और बच्चों के साथ कैसे डील करना है। इसलिए उनको शायद लग गया होगा मैंने कंडेम किया, मैं नहीं कंडेम कर रहा। आप वो बॉक्स ना और बड़े वाला बना लो, क्रेन में चार चार बंदों के साथ उठवा के डोली के बदले क्रेन में उसको रखा के ले जाओ अपना वैनिटी बॉक्स, पर अल्टीमेटली हाउ टू डील विद द पीपल दैट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड नेगेटिव है ना, तो आपने अपनी आईडी लोगों के मुताबिक बनाई है, जीना औखा हो गया। ठीक है जुजार जी, ठीक है जी। जी एक गल मेरे दिमाग जहन च हुणे आ रही है कि आइडेंटिटी क्राइसिस दे विच पेरेंट्स दा की रोल हैगा, बच्चे दी आइडेंटिटी क्राइसिस विच आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। तुसी उस बारे भी प्लीज साडे नाल कुछ सांझ पाओ कि पेरेंट्स नूं किवें बच्चा नूं ब्रॉट अप करना चाहिदा ताकि उस दे विक्टिमाइज ना हो, इस बीमारी दे विक्टिमाइज ना हो। जी आपका आप ठीक बोल रहे हैं। आज ना इंटरनेशनल टीचर्स डे भी है ना, आप मेरे साथ यस और नो और हां जी हां जी बोल सकते हैं? हां जी मैं बोल रहा हूं, आवाज हां जी, हां जी बोल सकते हैं, ना जी बोल सकते हैं, डिसएग्री बोल सकते हैं। ठीक है, आज हैगा हैप्पी, मैं सबनु हैप्पी टीचर्स डे विश कर देना। अच्छा आज इंटरनेशनल टीचर्स डे है, ठीक है ना? तो हमारे सबसे पहले टीचर हमारे मम्मी पापा ही होते हैं। बिल्कुल हाँ, पर अगर उनको आईडी क्राइसिस का वायरस घुस गया है, तो मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर बन जा। मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मैंने कहा बेटा डॉक्टर तो बन जाओ, पर फिजिशियन मत बनना, सर्जन बन जाना। बेटा डॉक्टर बन जाओ तो इंडिया मत रहना, अमरीका चले जाओ। ऐसे होता है ना? हाँ जी हाँ। पेरेंट्स के टीचर बनने के लिए अपनी मत के ऊपर विजडम का चोला पहन लेना, तो बच्चे को वो वाले गुण दें जिसको सुचज्जे चंगे चज आचार का जीवन समझ में आए, उसका थॉट प्रोसेस पॉल्यूट ना होने दें, इंक्लूडिंग सिबलिंग्स। अगर पेरेंट्स और स्कूल के टीचर, आप जुजार जी मेरे साथ एग्री करते हैं कि स्कूल में टीचर्स भी ऐसा फैशन करके आती हैं, आते हैं टीचर्स भी, जो बच्चे ने जिस बच्चे के देख के लगता है कि भाई ये बढ़िया कार में नहीं आया, या अमीर फैमिली को बिलोंग नहीं करता, या उसके कपड़े देख के उसे डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो इसको पेरेंट्स और टीचर, ये इन्होंने ना बच्चे की पर्सनैलिटी को बनाना है ना, मोल्ड करना है ना, तो ये चंगे गुणों का चाज आचार पाए ना, सच्चो और सबको ऊपर सच आचार ट्रुथफुल लिविंग के उसके अंदर थॉट प्रोसेस डालेंगे ना, तो वो इनर ब्यूटी का सबसे पहले अपनी आईडी को पहचानेगा, उसको नर्चर करेगा, उसमें अच्छे अच्छे गुण डालेगा। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? पेरेंट्स को पहले आप फिक्सअप होना पड़ेगा, दे विल बी गिविंग गुड थॉट्स टू द किड्स, पहले आप सुधर जाएंगे, ताही बच्चे को कुछ इम्पोर्टेंट थॉट दे सकते, गुड थॉट्स दे सकते। पेरेंट्स और टीचर्स कभी किसी बच्चे के बारे में नहीं कहेंगे ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो कमजोर है, हमने तो सोचा साइंस लेगा, ये तो आर्ट्स भी नहीं ले पा रहा, हमने तो सोचा था ये बनेगा वो बनेगा। वो गॉसपिंग छोड़ो, बच्चे को क्वालिटीज वाली वैल्यूज, ताकि वो अपनी आईडी को ग्रेट बना सके, इनर
जिससे उसका बिहेवियर जोरदार होगा। सो पेरेंट्स पहले उसको ये नहीं कहेंगे कि तू क्या बनना है, पेरेंट्स उसके साथ शेयर करेंगे, बेटा डॉक्टर बनने में ये बेनिफिट्स हैं, इंजीनियर बनने में ये बेनिफिट्स हैं, वकील बनने में ये हैं, या आइल्स करके तूने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसमें ये नफे नुकसान है, ऐसे तूने क्या करना है, बच्चे हम तेरे साथ हैं बस। तूने ना डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, वकील बन, दुनिया का जो मर्जी बनना है बन, पर सब जगह तेरे को पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। आज लोग बोलते हैं मेरे को तो पब्लिक डीलिंग करनी नहीं पड़ती, मैं तो घर से ऑनलाइन काम करता हूँ। बट व्यवहार भी तो इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन गल करते हुए भी जे थोड़ा बिहेवियर थोड़ा एटीट्यूड्स ठीक नहीं है, ने थोड़े गल करन दा लहजा ठीक नहीं है, ते वो भी काम नहीं बनेगा ना, काम तो थोड़ा होएगा नहीं। Yes. कई लोगों ने अपना कोरियर सर्विस शुरू की है, बेसमेंट में अपना सामान रख लिया और वो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, उनकी भी पब्लिक से कोई डीलिंग नहीं हो रही। पर हाउ टू डील विद योर फैमिली, जहां से बाइंग करोगे, जहां से पैकेजिंग का माल लाओगे, जिनको भेजोगे, वो सबके साथ तुम्हें इन पर्सन तो डील नहीं करना पड़ रहा, पर तुम्हारा एटीट्यूड तो डील करेगा ना उसके साथ। बिल्कुल। आप क्वालिटी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, आप अपनी आईडी बनाएंगे, मेरी आईडी ये है, मेरी कंपनी का माल आपके पास आया है, तो हमारी कंपनी नोन है इसके लिए कि हम अगर माल में कोई भी नुक्स है हम वापस लेने को तैयार हैं, हम तुमको एक और आइटम दोबारा से वो वाली रिपीट करके मेल करने को तैयार हैं, क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी सुधारनी, ये वाली आईडी बनाई है। अगर नेगेटिव आईडी है, अगर बेईमान आईडी है, अगर डिसीटफुलनेस है, और नहीं हमने तो भेज दिया था, तुम झूठ बोलते हो, लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे भी हो जाता है लोगों। ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਓ ਦੇ ਬਿਹੇਵਡ, ਦੇ ਸ਼ੋਡ ਦੇਅਰ ਲੈਵਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਔਰ ਐਂਗਲ ਖੋਲ ਦਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਹਮਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਂ ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹ, ਉਹ 900 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। उसमें हमने ना चार लामा बेस्ड लाइफ को सीखा था, उसको इंग्लिश में भी बनाया गया, जर्नी हार्ट टू हार्ट्स है ना। तो उसमें ना हमने ये सीखा था कि पहली लाभ बताती है एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट, अब एडजस्टमेंट नहीं ना आती, उन्होंने आईडी पता क्या बनाई है, फैशन में अपनी मर्जी से करूंगी, कपड़े अपनी मर्जी से बना पहनूंगी, कॉस्मेटिक्स अपनी मर्जी से लगाऊंगी, पर मैं शादी नहीं करनी, मेरे को एडजस्ट करना नहीं आता। अजी आप पढ़ भी गए, डिग्री भी है, सब कुछ है, आपको शादी से अब डरने लगने लगा क्योंकि आपको स्पाउस के साथ, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, स्पाउस के साथ डील करना नहीं आता। लड़के डरते हैं यार कल कुछ गड़बड़ होगी तो एलमनी मांगेगी, हो जाएगा। लड़कियां डर रही हैं सास बड़ा तंग करेगी, हस्बैंड डोमिनेट करेगा, ये होगा वो होगा। दे स्टार्ट गोइंग इनटू लिविंग रिलेशनशिप, और लिविंग रिलेशनशिप में वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते कि मैंने सुधरना है। लिविंग रिलेशनशिप में डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, आई कैन लीव एट एनी टाइम, हो जाता है ना। इसका मतलब हम अपनी आईडी में एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट सीखेंगे ना, पहली लाम
तो दूसरी लाव का भी मीनिंग समझ में आ जाएगा, डोंट ब्रेक वॉल ऑफ रिस्पेक्ट। ये किसको सिखाया जा रहा है? सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी, लड़की को भी, जिस मर्जी जेंडर वाला उसको भी, बुड्ढा बुड्ढी जिनको लोग घर में बोल देते हैं उन बुजुर्गों को भी, छोटे से छोटे बच्चे को भी। जितना जल्दी हम बच्चे को ये वाला वेश धारण करना सिखा देना अंदर का, वो अपनी आईडी पहचानता जाएगा, वो एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट वाली गाल बात को सीखेगा, वो किसी का भी ना सत्कार नहीं, किसी को भी ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, बेअदब नहीं होगा, वो अदब से, रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली, टेंडरनेस के साथ बात किया करेगा। इसका मतलब आईडी को ना अपनी पहचानना है ना, तो आईडी शुड बिलोंग टू ह्यूमैनिटी, माई आईडी शुड बी क्रिएटिव, कर्ता पुरुष, माई आईडी शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। अगर बेनिफिट ऑफ अदर्स है ना, एक्सपेक्टेशंस दूसरों से खत्म हो गई, मेरे को शिकायत करनी नहीं पड़ती, मेरे को डज नॉट मीन, मैं भूपिंदर सिंह बोल रहा भी, मैं तो बड़ा फन्ने खाऊं, नहीं। अगर हम इनर ब्यूटी बनाते हैं तो वो हमारी रियल सेल्फ है, वो हमारी रियल आईडी है, वो मेरी अणक है, वो मेरी सेल्फ एस्टीम है। ना तो अगर हम पेरेंट्स हैं या हम सिबलिंग्स हैं तो अपनी क्रिएटिव आईडी बनाए, अपनी पेरेंटहुड को नर्चर करें, क्रिएटिव आइडिया सोचें कि कल तक बच्चों को कैसे डील किया जाता था, आज मैं स्पिरिचुअली डिवाइन इंटेलेक्ट के साथ, विवेक बुद्धि के साथ अपने बच्चों को मैंने ऐसे क्रिएट करना है, ऐसे मोल्ड करना है ताकि बच्चा भी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बने। ठीक है जुजार जी? बिल्कुल सही। हम क्रिएटिव, और जितना हम, जुजार जी मेरे को पॉइंट और याद आ गया, एक कंट्री में मैं रहता था, वहां पर मेरे को पता लगा 8th grade से ऑनवर्ड्स के बच्चे ना अपने स्कूल में, स्कूल बैग में ज्वेलरी रख के जाते थे, खासतौर से गर्ल्स, वो ज्वेलरी के थ्रू दिखाना चाहती थी भी मैं कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, है ना। तो मेरे को उन्होंने ना पूछा सेमिनार में, क्या हम कॉस्मेटिक्स लगा सकते हैं, क्या हम लिपस्टिक लगा सकते हैं, क्या हम शराब पी सकते हैं, क्या हम स्कूल में ज्वेलरी ला सकते हैं? मैंने कहा आप स्कूल में पढ़ने आए हो ना, तो अपने गोल की तरफ ध्यान दो। इसका मतलब ये ना सारी बातें ना जो अनफ्रूटफुल एक्सरसाइजेज है ना, मैं नहीं कहता छोड़ दो, इनका टाइम ही नहीं रहेगा। अपने तरफ बनो ना, बढ़ो, उसको स्वैब बोलते हैं, अपने आप को क्रिएट करो ना। गॉड स्वैब हम, तो मेरा स्वैभंग नहीं होगा। देखा है जुजार जी, मैंने देखा है नर्सिस, डॉक्टर्स, ऐसे ये जो बड़ा बहुत टेंडरनेस की, पब्लिक के हेल्प की जॉब्स करते हैं ना, ये अपनी जॉब में इतने बिजी होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं, इतना पैशनेट होते हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 4-4, 6-6 घंटे पार्लर में बैठूं और कॉस्मेटिक्स लगाऊं। उनसे कोई पूछो तो तुम सिंपल क्यों रहते हो, वो कहते हैं मेरी ब्यूटी बाहर की सब्जेक्ट टू लोगों के मुताबिक नहीं है, मैं यहां ज्वेलरी पहन के नहीं आई हूं, मेरे को जब पार्टी में जाना होगा मैं अपने हस्बैंड के साथ ज्वेलरी पहन के चली जाऊंगी, लेकिन मेरे को तो रोज इसका टाइम ही नहीं है कि मैं अपने आप को स्वार्थी श्रृंगारती रहूं, मैं तो यहाँ पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। जो पैशनेट होके अपने गोल की तरफ जाते हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ,
अपना गोल बनाया हुआ है, मैं तो अपने आप नू काट रही हाँ काट रहा हाँ, मैं तो अपनी आईडी नू मोल्ड कर रहा, मैं अपनी आईडी दी मूर्ति बना रहे हाँ जड़ी मेरे को मेरे निज कर दे मेरे अंतर आत्मे दे अंदर मेरे को स्थापित करनी है। है जुजार जी, तो गोल की तरफ जो जो चीजें मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है ना मेरे गोल से, वो मेरे आईडी का क्राइसिस बन जाती है, मुसीबत बन जाती है। मैंने ये दिखाना है लोगों को, ये दिखाना है लोगों को, ये दिखाना है, भाई ये आईडी क्राइसिस है, इसको पकड़ लेना। मैंने लोगों को नहीं दिखाना है, मैं फन्नेखा नहीं हूं, मैं दुनिया में अपना ये नहीं, मैं करके दिखा मेरा गिनस रिकॉर्ड में नाम आएगा, मैं ऐसी शादी कराऊंगा लोग कहेंगे ऐसी शादी पहले कभी हुई नहीं है। मेरे बचपन में किसी की शादी हुई थी, मैंने देखा सारे बातें कर रहे थे, शादी में ना 50 हाथी आए, लड़का इम्पाला कार में बैठ के आया, चार बैंड वाले आए, वो जी उन्होंने आर्मी का भी बैंड बुलाया था, ऐसे ना ये बातें होती थी, और शादी हफ्ता नहीं चली। के कोई भी कारण तो हो सकते हैं, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा, और मेरा सब्जेक्ट डिवोर्स नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है इनर ब्यूटी, अपना गोल। मेरी आईडी सब्जेक्ट टू पीपल नहीं है, मेरा मकान मेरी कार सब्जेक्ट टू पीपल मैंने नहीं बनाना, मैंने अपने कपड़े सब्जेक्ट टू पीपल नहीं पहनने, मेरे बच्चे का रिश्ता सब्जेक्ट टू पीपल और नोशन नहीं होएगा, नहीं होना। तो अपनी आईडी क्रिएट करेंगे ना। ये बीच में किसी ने हाथ उठाया, कौन? हाँ जी अजीत मासी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अजीत मासी जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आई थिंक इट्स फाइन। अच्छा, उन्होंने हेलो। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, वाहेगुरु जी। आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैं कहना चाहती थी सब तो ऊपर चाचा चार कि सब तो ज्यादा देखिए, अगर आर्मी वाले लेडीज नो रिस्पेक्ट दें देने, ये मैटर ही नहीं करता कि उन्हें दा हस्बैंड किस रैंक ते है। होटल इंडस्ट्री विच सिंपल एंड बिहेवियर मैटर करता है, स्माइल उन्हें दी मैटर करती है, एंड बिहेवियर मैटर करता है। हम्बलनेस इज ए बिग एसेट टू सेट द बिहेवियर। वेरी सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए है। सोच के बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, प्यार से बोलो। वाह, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत वैलिड पॉइंट। बिहेव करने लिए रब्बी गुना नुदा विच बैलेंस रखना चाहिए है। चंगा सोचना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट। कपड़ा साफ होवे पर नंगेज ना दिखांदा होवे। इस तरह दसन कि वाह ए पर्सन जेड़ा है ना ये कितना अच्छे कैरेक्टर दा है। वन शुड हैव गुड कैरेक्टर। आई थिंक मैं नहीं कहना चाहती थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। जुजार जी, मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं जी। मैं मूवी देख बाद में करना, क्योंकि मेरा वो ना वो जो फ्लाइट वो लिंक मेरा तो ना, अब हमने ना ये सोचना है कि मैंने सब्जेक्ट टू पीपल नहीं करना, चलना दुनिया पात नहीं करना,
दुनिया की पाप लोगों की भांति सब्जेक्ट टू पीपल्स थिंकिंग प्रोसेस सब्जेक्ट टू नोशन मैंने नहीं करना। हाँ मेरा गोल ह्यूमैनिटी है, मेरा गोल ह्यूमैनिज्म है, मेरा गोल आइडियल बनने का है, मेरा गोल स्पिरिचुअलिटी का है। मैं अपनी क्वालिटीज मॉरल क्वालिटीज वाला आईडी बना रहा हूं। तो अब डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बनो, हाउसवाइफ बनो, शादी कराओ, जो मर्जी कराओ, बच्चों को जहां मर्जी पढ़ाओ, कॉस्मेटिक्स लगाने नहीं लगाओ, नहीं लगाने ना लगाओ, ब्यूटी पार्लर में बैठना है बैठो, नहीं बैठना ना बैठो, शादी जैसे मर्जी करो। मैं इस किसी के ऊपर भी कोई कटाक्ष नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं अब ना अपनी पर्सनैलिटी को बनाने वाली बात करो ना, वो मेरी रियल आईडी होगी। ठीक है? अच्छा अब जुजार जी मेरा शुरू होगा कि मैं अपनी आईडी बना रहा हूं। मेरी आईडी मैं इंजीनियर हूं, ये मेरी आईडी नहीं है। मेरी आईडी मैं रजौरी गार्डन रहता हूं, ये नहीं है। मेरी आईडी मैं अमेरिका रहता हूं, मेरी ये आईडी नहीं है। मेरी आईडी मैं हस्बैंड हूं, ये मेरी आईडी नहीं है। मैं ब्रांड नेम के कपड़े पहनता हूं, मेरे इतने लाख कमाता हूं, ये मेरी आईडी नहीं है। मैं कितने करोड़ कमाता हूं या नहीं कमाता हूं, ये मेरी आईडी नहीं है। मेरी आईडी एटीट्यूड, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी इनर ब्यूटी। सो अब मैं बना रहा हूं अपनी आईडी बना रहा हूं। जुजार जी मैं सीख रहा हूं आईडी बनाने के लिए पहले कुछ सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। मैं ना सुनने वाले आन तैयार कर रहा हूं, मैं अपना एटीट्यूड सुनने वाला बना रहा हूं। सुनने के लिए हम्बल होना पड़ता है, इसका मतलब मैं हम्बल ना सीख रहा हूं। How to listen to others? How to listen unspoken words? How to listen from the universe? How to listen the wisdom? मैं मन के ध्यान के कानों को बना रहा हूं, मैं listening सीख रहा हूं। मैं अपनी मूर्ति के कान फिक्सअप कर रहा हूं। मैं अपनी पर्सनैलिटी में हम्बलनेस ला रहा हूं। ठीक है? बिल्कुल। तो जुजार जी मेरे को एक एग्जांपल याद आया। कई लोग ना जब हम जुजार जी लुक एट मी प्लीज, जब हम लिविंग ट्रेजर की बात करते हैं ना किसी से, ओ जी हम ना किताबें बेच के ना पॉकेट में नहीं रखते हैं, उसकी रॉयल्टी भी नहीं लेते हैं, उसके साथ ना हम गरीबों जो नीडी हैं उनके लिए ना उनको पढ़ा देते हैं, उनके बच्चों को हम उसके साथ ना डिस्पेंसरी खोलते हैं, उनको दवाइयां ले देते हैं। तो जिसकी लिसनिंग नहीं है ना उसकी ईगो को हर्ट होता है, वो पता करता है हम भी करते हैं, फलाना भी करता है, तुमको मालूम है एक वो संस्था खुली हुई है, एक वो संस्था ऐसे करती है। उसने ना जो हम बात कर रहे थे ना उसको वहीं पे काट दिया। अगर कोई धर्म की बात करता है तो बोलते हैं ये तो हमारी धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है, हजारों साल पहले लिखा हुआ था, भाई हम सबसे पहले हैं। वो बोल रहा है हमारे कुरान में लिखा हुआ, बोलता हमारे गीता रामायण में लिखा हुआ, बोलता हमारे ग्रंथ में गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ, वो बोलता नहीं हमारी बाइबल में इतने हजार वर्ष पहले लिखा, बोलता नहीं हम तो वो फलाने धर्म से बिलोंग करते हैं। ऐसे ना लोग ना ये शो करना चाहते हैं तुम जो कह रहे हो ना वो मैंने सुन लिया, ओके अब इसको आउट करो, स्लिप के कैचर की तरह कैच किया बॉल आउट। तो लिसनिंग ना अगर मेरे को कोई बोलेगा ना कि वीर जी हम ना ऐसे चैरिटी करते हैं तो मैं उसको लिविंग ट्रेजर के बारे में नहीं बताता हम क्या करते हैं। मैं उसको अच्छा अच्छा आप ऐसे चैरिटी करते हैं, भाई वाह आपने इक्वालिटी कहाँ से सीखी, आपने ये अपने मम्मी पापा से सीखी है, अच्छा आप फिर ये कैसे अपना टाइम निकाल लेते हैं।
मैं उसको ना एप्रिशिएट करना शुरू कर देता हूं, अपने बारे में बिल्कुल नहीं बताता। इसका मतलब मैं जब अपनी लिसनिंग बना रहा हूं ना, तो लिसनिंग बनाते हुए ना मैं दूसरे की बात सुन रहा हूं। सुनने के लिए मेरे को हम्बलनेस चाहिए, सुनने के लिए मेरे को मेरा शो ऑफ नहीं करना, मेरे को अपनी जात नहीं बतानी, मेरे को अपना स्टेटस नहीं बताना, मेरे को बॉस गिरी नहीं झाड़नी, मैं पतियां, मैं हस्बैंड, मेरी माननी पड़ेगी, मैं उच्ची जात का हूं, मेरी माननी, मैं बॉस हूं, मेरी माननी पड़ेगी, तू मेरे नीचे काम कर दो माननी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम्बल, क्योंकि लिसनिंग फिक्सअप कर रहा हूं ना, जब हम लिसनिंग फिक्सअप करते हैं ना, सास और बहू को एक दूसरे से सुनना आ जाता है, लिसनिंग फिक्सअप करते हैं ना हस्बैंड वाइफ को भी सुनना आ जाता है, लिसनिंग फिक्सअप करते हैं बच्चे भी मम्मी पापा की बात सुन पाते हैं, दादा दादी की भी, नाना नानी की भी, और वो भी बच्चों की बात सुन लेते हैं। मैंने ना एक दिन शब्द की विचार कर रहा था, तो मैंने बोला कि पिता के ऊपर पुत्र को वर्सेस पुत्र को पिता से, मैंने ना कहा कि ना पिता को ना पुत्र पे मान होता है। तुम्हारे लिविंग ट्रेजर में ना एक वीर जी हैं, चरणदीप जी, न्यू जर्सी रहते हैं, उनका बेटा 9 साल का था गुरतेग, उसने ऐसे हाथ खड़ा किया, मेरे को कहता है वीर जी क्या इसके अर्थ ऐसे भी हो सकते हैं कि पुत्र को अपने पिता पर मान होता है। मैं क्या, माय गॉड, ये इसने मेरे को इतनी कीमती बात सिखा दी। इसका मतलब पिता को भी पुत्र पे मान होता है, पुत्र को भी पिता पर मान होता है, माँ बाप भी बच्चों की बात सुनते हैं और बच्चे भी मम्मी पापा की बात सुनते हैं, क्योंकि हम्बलनेस और लिसनिंग खुल रही है, अंदर की ब्यूटी के कान बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं लिसनिंग सीख रहा हूं ना, इसलिए मैं ऑर्डर की फॉर्म में नहीं बोलता। एक ग्लास पानी लेके आ, ये कर वो कर, ऐसे नहीं बोलता, है ना। पहली बात तो मैं लिसनिंग सीख रहा हूं। मेरी नानी जी ने बताया, जे सुख लोणे अपना पानी मांगना पी, तो मैंने ये सीख रहा हूं कि मैंने पानी मांग के नहीं पीना, मैंने आप उठ के पीना है। तो मेरी पत्नी को भी ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, नौकर को भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये लिसनिंग सीख रहा हूं, तो मैं ना अपने नोट अगर किसी को लिखूं कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, तो मैंने ऑफिस में लिखा सीखा कि यू मे प्लीज गिव दिस आइटम टू फलाना, यू मे प्लीज पुट अप दिस रिपोर्ट एट योर कन्वीनियंस, ऐसे, है ना, यू मे प्लीज, नम्रता से। सो ऑर्डरिंग फॉर्म और डोमिनेशन की फॉर्म, लिसनिंग खुल जाए ना, हम्बलनेस आ जाए ना, ये खत्म होती जाती है। हम किसी को भी, अमीर गरीब, गोरा काला, जिस मर्जी जेंडर का है, जिस मर्जी स्टेटस का है, उसको ऑर्डर नहीं करेंगे। ओए रिक्शे वाले, रायगढ़ जाएगा कितने पैसे, ऐसे नहीं बात करेंगे। रिक्शे वाले भैया, आप क्या राजागढ़ जा सकते हैं? हम्बलनेस, उसको पूरी इज्जत दे दी, है ना। बस लिसनिंग सीख रहा हूं, मैं ना बोलना सीख रहा हूं, मैं अपनी जबान फिक्सअप कर रहा हूं। जबान फिक्सअप करने के लिए, ए श्रवणो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी। मैं ना मीठे बोल सीख रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं किसी की बात को ना सुन के एकदम से उत्तेजित होता है, तुमने मेरे को ये क्यों कहा, मैं ना उस तत्व, निंदा, मान, अपमान, इंसल्ट होगी, मेरे को नहीं बुलाया, मैंने पता क्या कर लिया, किसी का मेरे को पता लग जाए इनके बेटे की आज शादी है या आज इनके घर बर्थडे है और उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया,
पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, मैं जज ही नहीं कर रहा, मैं पता क्या, मैं उनके घर चला गया, मैंने फोन कर दिया, ओ बधाइयां होन जी, की हाल है जी, पता लगा तुहाडा बर्थडे है, सारे कट्ठे हो रहे हो, असीं भी आ सकते हैं, अगर फोन पे बात ही ना हो मैं चला ही जाता हूँ वहां पे, ज्यादा ज्यादा मेरे को निकाल देंगे है ना। मैंने ना अपनी झूठी आईडी वाली ना इज्जत ही नहीं बनाई हुई, क्योंकि मेरी बेइज्जती नहीं होती, झूठी आईडी वाली, हाय हमें बुलाया ही नहीं, हमें कहा ही नहीं, उनको कहा था, हमें तो कार्ड भी नहीं दिया उनको तो, नहीं हमारे साथ हर बार ही ऐसे ही करते हैं, हमें नहीं बुलाते, बाद में बताते हैं, लास्ट मोमेंट बताते हैं, पर बंदे ने अपना प्रोग्राम भी तो बनाना होता है, अब लास्ट मोमेंट हम अटेंड नहीं कर सकते, वो अरे अपने आप मुसीबत पा ली, झूठी आईडी, निंदा क्रिटिक्स की गेम में फंस गए, बोलना सीख लिया ना, तो निंदा वाली और क्रिटिसाइज करने वाली, दूसरों के नुक्स निकालने वाली और एब्यूजिव लैंग्वेज वाली आदत छूटती जाएगी, जुबान में रस आ रहा ना, जो कुछ बोलो सोच के बोलो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो सोचा है वो सारा बोलो, उसे क्या आता है सहज, सबर, बैलेंस। ये बात मैंने पढ़ी प्रीत लड़ी के गुरबख्श सिंह जी की एक स्टेटमेंट, जो मेरे को बैंकॉक वाले मम्मी ने बचपन में सिखाई, when I was 21। तो अपना ये सारा सीखते जाएंगे, आईडी बना रहे हैं हम अपनी, कोई भी बना सकता है, जिस मर्जी मजहब वाला, जो मर्जी जेंडर वाला, जहां मर्जी रहता है, झुग्गी झोपड़ी से लेके ऊंचे महलों तक, है ना। पर जो हम झूठी आईडी बनाते हैं ना, अगर वो झूठी आईडी बनाते हैं, यहां पर इतना घमंड होता है, उसको बोलते हैं ऊंचे मंदिर, सुंदर नारी, सुंदर नारी मतलब वाइफ नहीं होता, ऊंचे मंदिर वर्दिया मकान को नहीं बोलते हैं, ऊंचे मंदिर मतलब दिखावा किया, मैं बड़ा शरीफ, मैं बड़ा ऊंचा, मैं बड़ा धर्मी, मैं बड़ा ये, हम बिलोंग टू फलानी जात, है ना, ऐसे हम तो वहां रहते हैं, ऐसे होता है ना, उसको बोलते हैं ऊंचे मंदिर, दिखावे वाला, सुंदर नारी, सुंदर नारी दिखावे की बार बार से सजावट, राम नाम बिन बाजीहारी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजीहारी मींस तेरे पास विजडम तो है नहीं है, अब तेरे साथ जब किसी का व्यवहार होगा ना, जा राह पिया जानी है, जवाब पिया जानी है। अच्छा जुजार जी, मैंने पहली बात की कि मैं अपने कान फिक्सअप कर रहा हूं, हाउ टू लिसन टू अदर्स, जब मैं किसी से बात करता हूं ना, मेरी बात पूरी नहीं, अगला शुरू हो जाए ना, मैं चुप कर जाता हूं, आपकी मैं सारी बात सुन ली, फिर मैं बोलता हूं अच्छा अब मैं बोलू, मैं बीच में इंटरप्ट ही नहीं करता, मैं शो ही नहीं करता, मेरे को ये बात पता है नहीं पता, व्हाई यू आर इंटरप्टिंग, मैं नहीं बोलता, नो यू लिसन, फर्स्ट यू लिसन, यू हैव टू लिसन, ये मैंने छोड़ दिया, मैं अपनी जबान फिक्सअप कर रहा हूं ना, मैं अपनी इनर ब्यूटी बना के बाहर की बॉडी लैंग्वेज भी फिक्सअप हो जाएगी ना मेरी, आईडी बना रहा हूं मैं अपनी, जुजार जी मैं सीख रहा हूं, हाउ डिफाई योर सेल्फ, हाउ टू मेक योर ओन पर्सनैलिटी, ठीक है जी। मैं अपनी आईडी बना रहा हूं कि मैं ना देखना सीख रहा हूं, मैं किसी को स्टेयर करके गुस्से से नहीं देखता, सीख रहा हूं, मैं किसी को ना ऐसे देखे ऐसे लेट डाउन की नजरों से नहीं देखता, इग्नोर नहीं करता। जब मैं अमेरिका से आया ना, मेरे बीजी और मेरा ब्रदर और मेरे पापा जी मेरे को बोलते थे, इंडिया जाते हैं ना तो वहां पर देखना, जो लोग स्टेजों पे लेक्चर देते हैं ना, वो लोगों को मिलते नहीं है, वो बैकडोर से कार में बैठ के चले जाते हैं, वो बड़े आकड़े होते हैं, हम हर किसी से नहीं मिलेंगे, इतना टाइम नहीं है। तो मेरे को वो बोलते थे, वो आकड़ नहीं दिखानी, हर किसी से मिलना है, हर किसी को जफ्फी पानी है,
हर किसी की आंखों में आंखें डाल के देखना है। बैंकॉक जब मैं गया ना, वहां जो बैंकॉक वाले मम्मी थे ना, प्रकाश कौर जी, उनका बेटा पप्पू वो रूम रूडी स्कूल में पढ़ता था, वो 8th ग्रेड में था, और मैं इंजीनियरिंग करके गया था और मैं धर्म की बातें कर रहा था। तो वो मेरे को बोलता है, आप इंजीनियर हैं? मैंने कहा हाँ। आप धर्म की बातें बहुत करते हैं? मैंने कहा हाँ। पता है मेरे को क्या कहता है? आपको तो सुनना ही नहीं आता। मैंने कहा बच्चे क्यों, क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई? कहता मैं आपसे बात करूं, आप मेरे साथ आई कॉन्टेक्ट लगा के बात नहीं करते, आप उधर देख रहे हैं, व्हाई आर इग्नोरिंग मी? ओ माय गॉड, उसने मेरे को अंदर से हिला दिया, झंझोड़ दिया निक्के से बच्चे ने। सिंस देन आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस कि जो मेरे से बात करे, चाहे वो कितने मर्जी गरीब क्यों ना हो, मैं तो किसी को गरीब मानता ही नहीं, मैं तो उसको हार्ट टू हार्ट देखता हूं, सोल टू सोल देखता हूं, आंखों में आंखें डाल के सत्कार के साथ, हलीमी के साथ, नम्रता के साथ, करुणा परी अखा दे नाल, टेंडरनेस दी अखा दे नाल, नम्रता दी अखा दे नाल, आकड़ के नहीं, हाँ अच्छा बोल फिर ना, ये क्या पहन के आया तू, है नहीं ऐसे नहीं, आप बोल लो, हाँ मेरे पास टाइम ही टाइम। जुजार जी मैं ना थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, आपने ऊपर देखा तो उससे मेरे को ये भी समझ में आया कि मैं टाइम, अच्छा मैं ना देखना सीख रहा हूं कि मैं दूसरे की गलती नहीं निकालनी, उसको कहते हैं सीन को अनसीन करना, मैं वेख के अनडिट करना सीख रहा हूं। ये ना सिख लोग अरदास में रोज बोलते हैं, वेख के अनडिट करना, मेरे को ना ये अकल सीखनी है हाउ टू इग्नोर दूसरों की मिस्टेक, मैंने फिक्स अप नहीं करनी है, मेरी भगवान जी ने ड्यूटी नहीं लगाई, मैंने दूसरों को जज नहीं करना, मैंने दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना, है ना। रब जी काइंडली ग्रांट मी विजडम, मेरे को बल दो कि जो मैं चेंज कर सकता हूं उसको प्यार से दुनिया में चेंज कर सकूं, और मेरे को एक और अक्ल दो, मैं ना जो नहीं चेंज कर सकता उसको अनसीन कर सकूं, वरना क्या होगा, साई मेरे चंगा कीता, नहीं था हम भी दज्जा आए, किज ना बुझे किज ना सुझे, दुनिया गुज्जी पा, वो दुनिया तो एक हंकार दी अग अंदर जल रही है, हर कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है, हर कोई किसी को करेक्ट करता है, हमने कोई नहीं करना, मैंने कूड़ना छोड़ दिया है, मैंने लेट डाउन की नजर छोड़ दिया, मैं मिठी नजरों से देखता हूं, मैं हमदर्दी की नजर से देखता हूं, मैं प्यार से इन आंखों से इनवाइट करने की जब भी पाने के मैसेजेस देता हूं, मैं फोन पे भी दूर से बात करूं ना तो शहद के छत्ते की ना लाखों मक्खियां इकट्ठियां करके मैं फोन पे भेज देता हूं, सारी मक्खियां जाके उसके हार्ट से चमड़ जाती है, सारा शायद उठे उडेल मिट्टी, हमदर्दी जफी दे बुलावे अखां दे नाल, है ना। मैं वंड छकना सीख रहा क्योंकि मैं कंटेंटमेंट सीखनी है, मैं अपनी पर्सनैलिटी में कंटेंटमेंट संतोख सीखना है। सो मेरी आईडी में मैं ये सीख रहा हूं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं अपना ओपिनियन फ्लेक्सिबल रख सकता हूं, अगर मेरे को नई बात एलिवेट होने के लिए अपर लेवल में जाने के लिए मिलती है मैं उसको ले सकता हूं, आई कैन बी रॉन्ग, मैं अपनी मनवानी नहीं है कि जबरदस्ती आई एम राइट, मैं पूछने पर बिना पूछे तो राय नहीं देता, पर पूछने पर हम्बली अपनी राय पेश करता हूं, अगर मेरे को ना पूछे तो मैं नाराज नहीं हो जाता, रूस नहीं, मेरे को नहीं पूछा, मेरे से पूछ के नहीं किया ना, फिर हम बिल्कुल बेवकूफ हैं, पागल हैं, या हम ऐसे आए हुए हैं, इग्नोर कर दिया, मेरे को तो कुछ समझ तो ही नहीं, ये सब आदतें मैंने छोड़ दी, मेरे को पूछा तो मैं नाराज नहीं हूं, मैं हम्बली अपनी अपना आइडिया पुटअप कर दूंगा, वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट, पर आपको रॉन्ग प्रूव करने के लिए नहीं,
इसलिए मैंने ये भी बनाया था, एक बहन से मैं डिस्कस कर था कि ना तेरी अपनी सास के साथ जब भी झगड़ा हुआ करे ना, तूने सास को करेक्ट नहीं करना, देख कैसे कहते नहीं नहीं ये बुड्ढे है ना, ये इनको गलत आते पड़ जाती है ना, इनको भी तो सुधारना पड़ता है ना। नहीं हमने नहीं सुधारना उनको, वो जैसे कह रहे हैं वैसे करना है। ठीक है ना। बस मेरी आईडी में मैं हंसना सीख रहा हूं, स्माइलिंग जेस्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बुजुर्गों का सत्कार करना है, उनको करेक्ट नहीं करना, मैं उन्होंने नुक्स नहीं करने, नो नो बिल्कुल नहीं, मैंने बुजुर्गों को नहीं पढ़ाना, मैं सीख रहा हूं ना लिसनिंग, मैं सीख रहा हूं हम्बलनेस। मेरे को मुन जोबन वाली टीनेज वाली वो वाली अक्कल नहीं आ गई कि मैंने किसी को सुनना ही नहीं, मेरे को सब कुछ पता है, धर्म की बातें भी नहीं सीखनी, सारे घर वाले पागल होते हैं, नहीं मैं वो उस मुन जोबन वाली एज से बाहर निकल रहा हूं। सो मैं फ्लेक्सीबल हूं, आई कैन चेंज। अच्छा हमारे घर में ना कई बच्चे ऐसे होते हैं, ये बात नहीं मेरे को पसंद, ये ऐसे नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, वो हमारे घर में नहीं आएगा, ये चीज ना मैं ऐसे ही खाता हूँ, उसको कोई नई आइटम दिखाओ ना बच्चे, इसको खा के देखो, नहीं नहीं मैं नहीं खाना, मेरे नहीं खाना, अरे खा वो कुछ नहीं हो जाएगा, तूफान नहीं आ जाएगा, जस्ट टेस्ट इट। जब तुमने मम्मी का दूध पिया था उसके बाद भी तो तुमने काफी सारी चीजें टेस्ट की है ना, तो बी इनोसेंट, लेट अस ट्राई। अच्छा मैं खा के देखता हूँ, मम्मी आपने साबूदाना बनाया क्या होता है, अच्छा मैं इसका दलिया खा के देखूं, अच्छा ये मीठा होता है नमकीन होता है, पता नहीं देखने में कैसा लग रहा है, मम्मी बोल रही है नहीं ये खा के देख, ये पेट से हल्का होता है, अच्छा होता है, खाया अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा तो ना सही। हाँ ओपन, आई एम ओपन। सो मैं अपनी पड़चोल करता, हाँ मैं अपनी आईडी बना रहा हूँ दिलदार जी, ताकि मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस पब्लिक के हिसाब से रहे ना। मैं अपनी इनर आईडी बना रहा हूँ, मैं अपनी इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, मैं टॉन्ट गिले शिकवे नहीं करता हूँ, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी को नहीं करता, मैंने तुम्हें फोन मिलाया तुम उठाते ही नहीं हो, मैंने मैसेज डाला तुम रिप्लाई नहीं करते ना, मतलब हम पागल है यहाँ पे, ऐसे मैं किसी को बोलता ही नहीं। मैं पता क्या करता हूँ, मैं किसी को फोन मिलाता हूँ, अगर वो मेरा फोन डिक्लाइन भी कर देना तो मैं पता क्या करता हूँ, मैसेज डालता हूँ, आई थिंक यू आर क्वाइट बिजी, सो आपने जो डिक्लाइन किया है उससे मेरे को ये बात समझ में आ गई, आप बहुत बिजी हो। टॉन्ट नहीं करता, तुम तो मेरा जवाब ही नहीं देते, मतलब तुम कोई वैल्यू ही नहीं रखते मेरे मैसेज की ना, इतनी बारी फोन करो तुम उठाते नहीं, फलाने से तो तुमने बात की थी, ऐसे मैं नहीं करता। मैं बोलता हूं जब मैंने आपको फोन किया ना, सो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन I was failed to connect you. मैंने कहा नहीं बैल होती थी मेरा ही नहीं तुम उठाते, मैंने ये आते छोड़ दी, मैंने ये टॉन गिले शिकवे वाले तीर मारने छोड़ दिए। सो मैंने अपनी जबान और अपनी आपको फिक्सअप करना लोगों को देख के लोगों की तरक्की पर जलना छोड़ दिया, अब मैंने लोगों के पहरन के बदले विजडम का पहरन पहनना सीख रहा हूं। साई मेरे चंगा कीता कि मेरे को ये पहरन पहनने की अकल दी। हाँ जी जुजार जी, मैं टाइम ना थोड़ा ज्यादा ले गया, मेरे को 7 o'clock के लिए बोला गया था कि हमारे जलंधर में अमेरिका वाले मोना बहन जी की सिस्टर हैं जो साइकेटिस्ट हैं, 2 हफ्ते पहले उन्होंने शेयर किया था, जैसे पिछले हफ्ते रमन दीदी आई थी ना, ऐसे ये भी प्रोफेशनल है वो शेयर करेंगे। जी बहुत धन्यवाद, तुसी जेड़ा एंगल दिता है, इट्स अ कंप्लीट पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम की गल तुसी कीती है, बिकॉज बोलन तो लैके देखण तो लैके हर चीज़ में फिक्स करना किवें है बाणी के नाल तुसी सानू समझाया, वेरी थैंकफुल। तो हुण मैं गुरप्रीत खैरा जी नू अनम्यूट कर दिता है, वो साढ़े नाल अगे सांझ पाउंगे। गुरप्रीत जी तुसी अनम्यूट कर लो अपने आप, यू आर अनम्यूटेड, यू कैन स्पीक। ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी आ रही। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पहला तो अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहनी हाँ मैं जलंधर कह दें, मैं चंडीगढ़ तो हाँ वीर जी,
मेरा नाम है गुरप्रीत खेरा और मैं गवर्नमेंट कॉलेज तो रिटायर हुई हूँ एज ए प्रिंसिपल और मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी सीगा। तो हूँ मैं एक NGO है सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी वो नाल मैं एसोसिएटेड हाँ। असी कैंसर पेशेंट्स की मदद करते हैं फाइनैशली इमोशनली एंड सोशली। तो हर एक फैमिली चो दो दो बच्चों असं पढ़ा रहे हैं कैंसर अफ्लिक्टिड फैमिलीज के दो बच्चों पढ़ा रहे हैं। सो ये मेरा शुगल है और यही मेरा परपज से लाइफ का भी आफ्टर रिटायरमेंट आई वॉन्ट टू यू सम डू सम सोशल वर्क। सो हूँ जो मैंने टॉपिक यही किया पिछली बारी का ही सो मैं बहुता जो ओदे लिखा हैगा सारा टीनेजर्स से ही और थोड़ा जा मेरा जरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो साइकोलॉजी दे बेस्ड ही है शायद तो जो तुसी कहंदे हो जां पहला जो मैं सुनिया उस तो मेरा थोड़ा डिफरेंट होएगा क्योंकि मैनू लगता है भी जिहड़ी साडी आइडेंटिटी है और परसनैलिटी इट इज़ इक्विवेलेंट सेम है असी अपनी परसनैलिटी नू आइडेंटिटी कह सकते हैं क्यों वनस आइडेंटिटी इज़ वनस परसनैलिटी। सो असी जदों बच्चे छोटे होंगे ने असी उन्होंने बड़ा अच्छी तरह पालते हैं पोसते हैं ऑबजर्व करते हैं तो पर सानू बहुता उन्होंने बारे इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि बच्चे कोई ज़्यादा वोकल नहीं होंगे कोई चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी सॉरी खाण पीन तो सानू पता है भी ये चीज़ नहीं खानी असी वो नहीं खानी पर जदों ये बच्चे टीनएजर्स बनते हैं 13 साल तो शुरू होंगी जी टीनएज ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਉਸ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰਲਸ ਬੋਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟੀਨੇਜਰਸ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਨੀਂਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਗ੍ਰਜਿਸ ਐਂਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਵਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੀ ਡਾਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਊਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹ ਹਰਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗ੍ਰਜਿਸ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਵਾਈਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਅੱਗੋਂ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਚੇਂਜ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗ੍ਰਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੇਟਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੇਟਰਡ ਜੈਲਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਲਸ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਟੀਚਰ ਨੇ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੇਟਰਡ ਕਰੇਗਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸੂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਟਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਂ ਤਾਂ ਡਾਂਟੇਗੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬੋਤਲ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਫਲਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਓਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਤੇ
ਚੱਲ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਲੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪੰਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਟੋਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਇਹ ਬੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਨੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬੋਟਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਦਰਸ ਜੇ ਵੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਨਰਲੀ ਮਦਰਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਟਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੋਲਤਾ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਹਿਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਦਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਈਏ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਲਈਏ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਨੀ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਓਵਰ ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ ਘਰ 'ਚ ਆਮ ਫਾਦਰਸ ਦਾ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰ ਕਈ ਫਾਦਰਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਓਵਰ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ 7 ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਫਿਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰੀਡਮ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰ ਲੀਨੀਅੰਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾ ਤੂੰ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਆਈ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵਡ ਹੋਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਪਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟੀਕੇਟਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵੀਟ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵਡ ਹੈ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ
और दूजे की प्रेज करोगे उन्होंने भी खुशी होगी तुहानू भी खुशी होगी जो अच्छी किसी की तारीफ करते हैं सानू आप भी अच्छा लगता है तो वो थोड़ा जा हुण जिहड़ा मैनू थोड़ा जा लगता है भी पेरेंट्स नू की करना चाहिए एक तो पेरेंट्स नू थोड़ा जा बच्चों नाल टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है हुण अजकल जिस तरह दोनों मदर फादर वर्किंग ने ऑफिस जो टाइमिंग्स तो फिर 9 to 6 तक मसा घर आती है लेडी भी पर उस तो बाद भी ना भी बच्चों नाल तुसी जे जिन्ने टाइम नहीं स्पेंड करोगे उन्होंने फीलिंग्स नहीं समझोगे बच्चे फिर थोड़े नाराज ही रहते हैं उन्होंने एंगर उन्होंने अंदर कट्ठा हो ही जाता है और फिर कभी ना कभी वो मतलब माँ प्यो ना लड़ पैंदे ने बोलते हैं डिसरिस्पैक्ट शो करते हैं मतलब वो चांस उन्होंने ना ही दो थोड़ा जा गेम्स लिए उन्होंने कहो एनकरेज करो भी एक्सरसाइज तुसी करनी है करो थोड़ा जा खेडना को गेम्स कोई भी खेडो और जिहड़ियां उन्हां दियां प्रॉब्लम्स ने उन्होंने बिठा के प्यार नाल डिस्कस करो समझो भी की प्रॉब्लम उन्होंने आ रही है जो कोई बच्चा बिल्कुल ही क्वाइट हो गया घट बोलने लग पाया है खाँदा नहीं पूरा या गुस्से च रहिंदा है इहदा मतलब दैट चाइल्ड इज नॉट फीलिंग ओके सो तुसी मतलब उन्होंने बच्चों नाल बैठ के गलबात करो सो टाइम स्पेंड करना जिहड़ा बहुत ही जरूरी है और ये जरूर समझाओ टू हैव फेथ इन गॉड भी जो भी रब करता है तुहाडे लई अच्छा ही करता है सो इस करके ये गल नूं तुसी मन के चलो भी जिंदगी च अप्स एंड डाउनस आंदे ने पर हैव फेथ इन गॉड दैट्स ऑल थैंक यू गुरदीप भैन जी थैंक यू गुरप्रीत जी तुसी बड़े सोहने इनपुट्स दिते ने कि हर एज फैक्टर नूं लैके तुसी उस चीज़ नूं इलाबरेट कीता कि किते किते पेरेंट्स का रोल है किते बच्चों का रोल है सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन ते हुण साडे नाल जसमीत जी बॉम्बे तो कनैक्टेड है ने मैं उन्हां नूं रिक्वेस्ट करांगा कि प्लीज़ वह भी कुछ साडे नाल इस टॉपिक बारे जसमीत जी मिंदरपाल जी ने एम पी जी आई पी जी ने यह तीनों तुसी मैनू डे टाइम में कहा सी ना भी इन्हां दी शेयरिंग भी लवांगे जदों मैं तुहानू गुरप्रीत जी दा कहा सी ते इन्हां सारयां दे जे इनपुट लैणी है तो लै लो उस तो बाद फिर क्वेश्चन आंसर ठीक है जसमीत जी तो बाद मैं इंद्रपाल आंटी ने रिक्वेस्ट करांगा कि वो तुहाडे नाल गल करन जसमीत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वीर जी हुणे जिक्र करदे पए सी कि आइडेंटिटी लई किवें लिसनिंग दा देखण दा सुनण दा यह सारिया चीज़ों का किन्ना वड्डा योगदान है ते जदों वीर जी कहिंदे पए सी मैनूं गुरु अंगद साहब का एक श्लोक चेते आया गुरु साहब कहिंदे पए ने तू अगर रब्बी मिलाप चाहुंदा है दैन पता की कर गुरु साहब कहिंदे ने अखीं बाजों वेखना एक काम कर अखां तों बिना देखना शुरू कर दे हैं बड़ी अजीब गल लगेगी बाहरली तौर पर कुदरती तौर पर अखां आईयां तां अखां दा काम ही देखना है पर गुरु साहब कहिंदे पए ने पता है काम कर अखां तों बगैर वेखना शुरू कर दे बड़ी अजीब गल पर गल इत्थे खत्म नहीं हुई गुरु साहब अगे कहिंदे पए ने अखीं बाजों वेखना विन कन्ना सुनना पता है काम कर तू रब्बी मिलाप चाहुंदा है कन्ना तो बगैर सुनना शुरू कर दे फिर गल गैर कुदरती लगती पई है गुरु साहब कहने पे ने बस सिर्फ इत्थे ना रुक अखी बाजों वेखना विन कन्ना सुनना पैरां बाजों चलना तू अगर रब्बी मिलाप चाहना है एक काम कर पैर तू बगैर चलना शुरू कर दे गल फिर गैर कुदरती नजर आई गुरु साहब कहने पे ने इत्थे गल नहीं खत्म हुई पैरां बाजों चलना विन हत्थां करना तू काम करना है ना हाथों तो बगैर काम करने शुरू कर दे एक पजल दे खुलन दे बजाय बद्दी जा रही है अखां तो बगैर वेखना है कन्ना तो बगैर सुनना है पैरां तो बगैर चलना है हाथों तो बगैर काम करना है गुरु साहब कहते पहले इन्ना ही नहीं कर पता होर काम कर पता की जीबे बाजों बोलना जुबान तो बगैर बोलना शुरू कर दे हद हो गई है जुबान मिली बोलन लई है तुसा कहंदे पए जुबान तो बगैर बोलना शुरू कर दे गुरु साहब कहंदे पए ने हाँ गुरु अंगद साहब कहंदे पए ने जीवे बाजो बोलना इउं जीवत मरना नानक हुकम पछाण के तो खसमे मिलना हुण अगर अखीर विच एक शब्द वरत्यो ने इउं जीवत मरना पजल खोलनी शुरू हो गई इधर जींदे जी मरण की गल चलती है जो तेरिया ए अखां ने ना ए अखां एक डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेट कर दिया ने ए मेरा अपना ए मेरा बगाना एक दूजे नूं इस तरह घूर घूर के वेख दिया ने किसी नूं देख के डर लगता पे एक काम कर
ए अखां तो देखना छड़े, ए जो तेरी जुबान है ना, ए जुबान हर वक्त किसी की बैक बाइटिंग करती रहती है, हर वक्त किसी की निंदा करती रहती है। तू आइडेंटिटी बनाना चाहता है ना, एक चीज चेता रखी, जिम्मे तेन अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, तेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बरकरार रहेगी जे तू किसी होर की फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिस्पैक्ट करना सीखे। जे तू इस सारे काम करता पे जीवत मरदा, जब तक तू जीवत मर ना जाए ना, तब तक तेरा डब्बी मिलाप नहीं हो सकता। गुरु साहब गलत समझ आ रही है, जिन्हें अखां दे विच डिस्क्रिमिनेशन है ना देखा, जेरे कन्नां नूं निंदिया सुनन का शौक है वह कन्नां नूं यूज ना करा, जेरी जुबान नूं झूठ बोलन का शौक है, निंदिया करन का शौक है ना बोलना, जेरे पैर गलत जगह ते लेके जांदे पए ने ना चलना, पर मैं केड़ियां अखां यूज करा, सवाल ते खड़ा रहेगा, केड़े पैर यूज करा, केड़े हाथ यूज करा। गुरु अंगद साहब कहते पे ने अगला श्लोक पढ़, बाहर ना जाए गुमराह हो जाएगा। गुरु साहब कहते पे ने दिसे सुनिए जानिए साओ ना पाया जाए। अरे बहुत धर्म कर्म की बातें करता है यार तू, पर तेरे जिंदगी की तरफ देखें, जब तू अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, कुछ स्वाद तो आ ही नहीं रहा, वो ही धर्म के नाम पे उलझा हुआ है, झगड़ रहा है, झगड़ालू बिलती बैठी है, इसने ये बोला उसने ये बोला, यार तू एंजॉय तो कर ही नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि रोहला टुंडा अंधुला क्यों गल लगे ताए, ना मेरे पास पैर हैं कि मैं उस रस्ते पे चल सकूं, ना मेरे पास हाथ हैं, मेरे हाथ गला पकड़ते हैं पर किसी को गलबकड़ी में लेना सीखे नहीं। और जब वो है ही नहीं है, मैं कैसे रब्बी मिला, रोहला टुंडा अंधुला क्यों गल लगे ताए, मेरे पास आंखें नहीं है, मैं कैसे भाग के जाऊं, कैसे गले मिलूं। गुरु साहब सवाल हजे भी उठे खड़े, वो पैर कहां से मिलते हैं, वो अखां किधरों मिल दिया ने, वो हाथ किधरों मिल देने। गुरु साहब कहते पे ने पैर के चरण कर पाव के, बहुत अच्छे लोए न सुरत करे, पैर के चरण तेरे पैर ना निर्मल भौ बन जा, एक पासे तू निर्भौ बन, गुरु साहब कहते हैं निर्भौ बन जा, निर्भौ जपे सगल भौ मिटे, पर लामा दे पाठ पे पढ़ते हैं निर्मल भौ, निर्मल भौ पाया, निर्मल पौनो सोखे टंगल, इंज समझ जाओ, मतलब मुहब्बत दी एक शिखर है, जदों असी किसी नाल बहुत प्यार करिए ना, असी उसनु अपनी शर्तां नहीं मनांदे, असी कहंदे आ तू कहंदा पिया ना, मैं उसते उस मार्ग ते चलांगा। मार्वेलस, उस निर्मल पौ, उस कुदरती नियम, उस हर घटघट में हर जू बसे वाले सिद्धांत दे विच निर्मल पौ पै गया ना, पैर फिजिकली उही रहणगे पर ओ पैर हुण गलत थां ते नहीं जावांगे। पै के चरण कर पाव के, तेरे हाथ ना प्रेम दा रूप ले ले, पहले एक दूजे दा गला पकड़दे सी, हुन ए वड्डा चाके गल वकड़ी पछ पांदे, तेरी आइडेंटिटी ओही बन गई, हाथ ओही पैर ओही न्यू आइडेंटिटी। पै के चरण कर पाव के लोयन सुरत करे, तेरी अखां ना ओ सुरत रूपी अखां दे विच तू ज्ञान दा सुरमा पा ले, पहले तेरी अखां हर वक्त रोंदियां रहंदियां सी, यार हद हो गई, मेरा स्टॉक 10% गिर गया, हाय मेरे घर में झगड़ा हो गया, अब तेरे आंखों में से एक खेड़ा एक खुशी नजर आएगी, तेरी आंखें जो वितकरा करती थी ना, अब तेरी आंखों में नाको बेरी नहीं बिगाना, तेरी आंखों से नजर आएगा, तेरी नवी आइडेंटिटी बन गई। वेरी वीर जी कहते पैसे ना आनंद बन जाएगा जीवन में, आनंद शब्द की बानी पढ़ते ना, शुरुआत होंगी है आनंद पे आ मेरी माए सदगुरु में पाया, अखीर होंगी है आनंद सनोवर पागी हो सगल मनोरथ पूरे, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। उन सारे मनोरथ केरे पूरे हो गए, ये नेत्रों मेरे हो हर तुम में जो तरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, अभी हर जगह रब नजर आंदा है, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाई, मेरी जुबान को समझ आ गया, मैं हर वक्त दूजों की पीठ के पीछे बातें करता रहता था, वो छोड़ दिया, सगल मनोरथ पूरे हो गए। समझ आ गया ए श्रवणो मेरे हो साचे सुनने नु पठाए, ये हर वक्त एक झूठ सुन सुन के खुश होते थे, अभी सच सुन के खुश हो रहे हैं, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया, कुदरत की नियम के अनुसार आया था पर मैंने उन अगली चीज समझ आ गई, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, जदू मैं ओ अपने कर्म इंट्रोस्पेक्ट करने शुरू कर देते ना कि मैं एक अपनी आइडेंटिटी आप बनानी है ज्ञान सदका, मेरे जीवन दे विच की रहेगा सारे मनोरथ पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ब्यूटीफुल, जदू ओ चीज असी अपनी जिंदगी दे विच ले आए, मैं तुहाडा ज्यादा समा नहीं लेंगा, वीर जी ने दस्या होर भी
सजना ने बोलना है, बस असी ना उस पहचान अपनी एक नवी में छोटी जी एग्जाम्पल हमने एक सेशन चलता पैसे एक सवाल किया सेवा दे रिलेटेड किसी ने तो गल चलती पैसे तो असी सेवा की परिभाषा समझते पैसे कि गुरु की सेवा करो दिन रात गुरु की सेवा दिन रात करनी है पर एक पास गुरु साहब कहते पे नाम तेरा जपी दिन रात मतलब नाम जपना गुरु की सेवा है इफ ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू सी मतलब ए इज इक्वल टू सी नाम की है हुक्म हुक्म के अनुसार जिंदगी जीना यह भी एक सेवा है तो किसी ने एक सवाल किया कि भांडे नहीं मांजने चाहिए जोड़े नहीं सामने चाहिए तो मैं उत्थे जिक्र किया कोई भी इंस्टीट्यूशन का वर्क करने लिए यह चीजा अत लाजमी है वो करो बट यह सोचो बारली तौर पर असं यह चीजा करते पाए हूँ लॉकडाउन के 6 महीने हो चुके हैं साढ़े घर मेड नहीं आती पी असं इन्ना समझ चाहिए घर के 3 बंदे ने 4 बंदे ने 5 बंदे ने हर बंदा अपनी प्लेट आप धोले यह वाली सेवा करनी सीखता होना साढ़े घर एक अलग सिस्टम नहीं बन जाएगा जो उस परिभाषा समझा तो एक अपनी एक पहचान बना सका तो अखीर क्योंकि मेरे अजीज जुझारवीर जी कपूर बड़ा पसंद ने ते कपूर एक एक चीज लिखता है कि भीड़ के पिछे लगन वाले दे पिछे भीड़ नहीं लगती असी बस जो कर्मकांडी सोच के पिछे चलते पे हैं ना उसके पिछे चलते पे ना असी अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे दुनिया दे विच कभी भी किसी कमजोर किसी आलसी किसी सुस्त पशु की एग्जाम्पल देकर सानू नहीं समझाया जाएगा सानू समझाया जाएगा वफादारी सीखनी है कुत्ते को सिख पर जदों लोभी आ जाएगा तो भी देख कुत्ता लोभी हो चुके हैं हुण यह चीज़ा जदों असी अपने जीवन दे विच ले आवांगे तो असी वफादारी कुत्ते वाला सुभा लैके एक अपनी नवी आइडेंटिटी बना पावांगे बस इन्ने को बचन प्रवान करने हुई गलतियां क्षमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मार्वलस फिनोमिनल मजा आ गया आई एम प्राउड ऑफ यू एंड योर एक्सप्लेनेशन ते तुसी अपना ना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दो और अपना जिहड़ा तुसी ब्यूटी पार्लर खोल लिया जिदे च इनर ब्यूटी सिखांदे हो वो एड्रैस साडे कोल क्योंकि आंदे ने असीं ते असमर्थ सारे तुहाडे कोल भेज देंगे थैंक्स थैंक यू सो मच थैंक 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 यू I think I have learned very well. Thank you so much. मैं एक घंटे की गल नू 15 मिनट 15 दी 5 मिनट 5 मिनट तो 1 मिनट करने की प्रैक्टिस करती रहनी हूँ. Thank you so much. So definitely. So topic is very interesting and many angles have been discussed and still possible. जिधे भी बड़ी fine details हुई यानी identity crisis. Right, so assi ek basic point so many phases ne to understand ki teenager nu hunda hai ki bacche nu hunda hai ki jadon assi relationship develop karde ha ki us waqt paida hunda hai so all the discussions have been done so I'm going to put few like you know graphs into it so imagine kariye assi ke chote bachcha jadon assi you know assi ohnu kehne ha now he is rabbi roop He just plays beautifully, flow of energy, love, smile, everything. And as the child goes physically big, asi kaniya now go independent. Do this. You can do this. You are big now. Je bacha thoda ja sober play kare, shy feel kare. Now we further, you know, say, hey, come on, be smart. You have to succeed in the world. ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਗੋਡ ਟੂ
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਲੀਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦਾ ਗੋਡ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ I think I have a long story to talk about, but let's say, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੈਨ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪਰੈਡ ਲਵ ਟੂਗੈਦਰ ਬਿਕੋਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਮਚ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਕੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਇਨਡਿਪੈਂਡੈਂਟ to me I am not confusing anybody but to myself it remained a big confusion in life assi bade hi confused ho jane ha because codependency intimate relationship is the need but sade oh weak ne bade zabardast because assi love de naal empower nahi kar rahe apne aap nu and you know it's all mess up So we are taking relationship as addiction, not as we are together to spread love. Perhaps this needs to be the first tone in my understanding. And I end up my talk, koshish ki thi hai ki thode lafzaan de vich kuch explain hove, may or may not be possible. But I just share one example. that I took 15 saal pehle ek program de vich very famous indian dancer I do not remember the name but worldwide si she said kanishka de aeroplane accident de vich my two daughters and my husband they died at the age of 50 I asked myself first time who I am she said I had no understanding about real how to radiate love jab ki main apna parivar kitne agge tak le gayi si she says I started from a b c in my life and when I met her would you believe she was 75 and she looked like as if she's just 60 year old because she made the identity I must radiate my love but for that I need to create love so meri talk bahut short hai ki identity crisis sanu kisi nu kisi waqt bhi ho sakda hai because assi sare mast molama je job hai te mast ha bacche hai te mast ha business hai te mast ha tak masti sade naal chale ode vaste je ikatthe ha ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਇਨ ਅ ਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪਰੈਡ ਲਵ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਵ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੁਜਾਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਟਾਈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਸਕ ਐਮਪੀ ਜੀ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਮਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਵੈਰ ਤੂੰ ਲਾਸਟ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੈਸ਼ਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਦਾਜ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਛੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਸਮ ਗੁਣ ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਵੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਛੂਈ ਮੂਈ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਈ ਮੂਈ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਝੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਛੂਈ ਮੀ ਵਾਂਗੂ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਬਲ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਬਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜੀ ਮਾਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਲਿਸਨ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟਵਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਮੋਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੀ ਵਾਂਟਸ 2-3 ਮਿੰਟਸ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਹੀ ਜਸਟ ਹਾਂਜੀ ਮੋਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟਡ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਫੋਰ ਈਵਨ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਵੈਨ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਦਰਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
सो इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मां नूं खुश रखना ते खुश रखने लई बाकी फैमिली मैंबर्स दी बड़ी वड्डी उस वक्त कोऑपरेशन चाहिए हुंदी है ते मां जड़ी है वो डिस्टर्ब ना होवे उहनूं ताने ना दित्ते जाण कि तू सानूं मुंडा ही देना मुंडा ही देना ते मैं ए वी क्लैरिफाई करना चाहनी हाँ जिहड़ा मुंडा हुंदा है वो फादर दी जीन्स विचों आंदा है मदर दा उहदे च कोई रोल नहीं हुंदा सो लड़कियां नूं बिल्कुल भी इहदे ते नहीं करना चाहिए ये आदमी दे थ्रू ही आंदा जिहड़ा बच्चा आंदा जे वो आदमी जो बॉय है तो वह आदमी दी फादर दी जीन्स चों ही आंदा है लेडी दा इहदे च कोई नहीं हुंदा हिस्सा सो एक तो यह उन्होंने ताने नहीं देने चाहिए तो दूसरा उन्हों मतलब अच्छे अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए अच्छा गल्लां सुननियां चाहीदियां ने गुरबाणी तो सीखना चाहिए या होर किधरों भी जिहड़े अच्छे गुण ने वह जे मां दे विच आणगे तो वह ऑटोमैटिकली थ्रू द प्लेसेंटा जिस तरह फिजिकल फूड जाता है फिजिकल बॉडी बनती है इस तरह ही इमोशनल सैटिंग जिहड़ी है वह बच्चे की होंदी है सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई एम बीइंग वेरी वेरी शॉर्ट सो यह दो तीन गल्लां मैं कहना चाहती सी सो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी आज तो तुसी सब परिवार छड़ाया बेड़े कर दिता दोनों भैणां ने डिस्कस करके कीती है थैंक्स ए लॉट क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स एंड योर हस्बैंड्स थैंक यू यस पेरेंट्स आर दे रियली प्लेड वेरी बिग रोल दे टॉट अस वेरी गुड हस्बैंड नो ही टका प्लीज ओके जी थैंक यू जी थैंक यू सो मच ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਬਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਦ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਹੰਬਲੀ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਮੋਸਟ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਦਰਾਣੀ ਆ ਜਠਾਣੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਪੜੋਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜੋ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਯੂਅਰ ਵਰਕ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਮਨੀ ਅਰਨਡ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਐਨੀ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਐਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਡਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਕੱਢਣ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇਣ ਪੇਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਪੂਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਰ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਨ ਔਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਈ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੱਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਮਨਵਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ
एप्रीशिएशन मंगदियां ने वावा दूजे देण या ना देण, मैं अपना काम करना है, मैं दूजियां दी वावा दे मुताबक मैं अपनी आईडी नहीं बना रही बना रहा, मैं ते पैशनेट होके अपने गुणा नू रैलिश करके मैं अपना चंगा काम कर दी। हाँ, भावे मेरी सास और मेरा पति उन्होंने पसंद ही ना आवे। पिछले हफ्ते जो होया सी ना, वो बच्ची रो रही सी ना, उन्होंने दा ना रमनीक, हाँ जी, उन्होंने विचारियां नू ए माइंड हो रहा सी भी कदे भी एप्रीशिएट नहीं किया जाता, जो बनाया जो किया वो परवान नहीं चढ़ता। अरे वो परवान करन ना करन, अपना ऑनेस्टली सिंसियरली चंगे गुणा दा अपनी आईडी अपनी परसनैलिटी तो आइडियल्स दे नाल पैशनेटली नाइसली हम्बली पुटअप करना चाहिए, रूस नहीं जाना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सतवन पजाई जी ने हैंड रेज किया है, शी वांट्स टू शेयर समथिंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सतवन पजाई जी। हां जी, खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है, ते भुपिंदर ने जेडी ओ, मैं भी लास्ट टाइम फील किया सी रमनीक जी जो कह रहे सीगे कि ओ कुछ भी बढ़ा के देन ते अप्रिशिएट नहीं हुंदा। ओदे ते इक छोटा जिहा मेरे कोल है, जिंदगी के रंग मंच पे, जिंदगी के रंग मंच पे अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद तालियां बजती रहें। सो मैसेज टू हर एंड टू एवरीबॉडी कि असी जो भी साडे सानू जॉब्स असाइन हुई ने एज ए मेल और फीमेल, असी उन्हें पैशनेट होके करिए ताकि असी दूसरे वास्ते एग्जाम्पल सैट कर सकीए। एंड इट्स नॉट इन वन डे, असी एवरी डे सीखते हाँ एक दूसरे को, and that's the only one thing. And dusra jehda identity crisis te si ohde te vi mere ko likh hega ki bahut garur tha chhat ko chhat hone par, bahut garur tha chhat ko chhat hone par, ek manzil aur bani, chhat farsh ho gayi. So asi kisi bhi achievement da koi bhi maan nahi kar sakde ki kado sade to agge course nikal jayega aur kon kis tarah kar jayega. That's what I want to share. Thanks tusi time ditta. दोबारा बोल दो आराम दे नाल। छत को छत होने पर बहुत गरूर था, छत होने पर बहुत गरूर था, एक मंजिल और पड़ी, छत फर्श हो गई। वाह जी वाह, इसका मतलब हमें हम्बल रहना पड़ेगा आखिर तक। जी जी, थैंक्स। एंड एवरी डे लर्न करना है, लिसन करना है एंड सीखना है, बिकॉज कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं 100% सीख लिया, बिकॉज केड़े वेले केड़ा चैलेंज केड़ी चीज आके सानू साडा टेस्ट लेगी सानू पता नहीं। छत और फर्श सानू दिखा दिता कि असीं केड़े गेम च पए रहने हैं, केड़े थॉट्स च पए रहने हैं, फसे रहने हैं कि हम कुछ होते हैं। सो सानू इह समझना कि सारी गेम हम्बलनेस च हैगी, सारी जितने असी डाउन टू अर्थ होवांगे, जितने निमाणे होवांगे, जितने हम्बल होवांगे, मॉडेस्ट होवांगे, साडे सुभाव उन्ना निम्रता वाला होएगा। ते सानू गुरबाणी हमेशा निम्रता सिखांदी हैगी है। थैंक यू सो मच। साडे नाल जोगी वीर जी अमेरिका तो जुड़े ने, मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करांगा प्लीज दो मिनट साडे नाल जरूर साझ पाउण। जोगी वीर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जी। हाँ जी हाँ जी, वाह जी खालसा वाह जी फतेह जी, सब ने बड़ा ही अच्छा बोलिया। हाँ, मैंने लर्निंग मोड, तो मैं वैसे बड़ी नवी चीज़ें सन, तो मैं कुछ इस बारे कुछ कह ही नहीं सकता, मैं इस टाइम लर्निंग मोड ही। थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड वाह जी खालसा फतेह जी। सही जी ने कहा तो फिर आज थोड़ा प्रोमो कर दी। नहीं नहीं, बस हमने लर्निंग मोड ना, लर्निंग मोड कुछ अपनी कह नहीं सकता। Many things to learn, new things,
हर बंदे ने मेरी अखा होर खोल दी भावे थोड़ी छोटी हैं पर होर खुल गई हैं। Sincerely, thanks to everybody. Dilum. Okay. Both the eye opener and Thank you so much. That's Thank you so much. Fateh ji. iPhone kida hai kaji? Somebody has raised his hand. Satish ji, I'll unmute you. Jujar ji. योगी जी ने शेयर दा नहीं किया और लगता शर्मा गए ने पर वो टू मच हम्बल होके बोल रहे ने जब मैं अमेरिका गया मैं योगी ने ज्वाइन किया तो योगी ने पहली गल मनु कही कि तेरे मेरे विच ना ए फर्क नहीं रहेगा भी है तू कमाया या मैं कमाया है सारा कार सारियां कारा सारा बिजनेस सब कुछ तेरा है तेरा जिथे दिल करता है तू जो मर्जी जिस तरह मर्जी कर पर एक गल मनु बहुत पसंद आई योगी सेड के मैं 7 days ये मॉर्निंग टू इवनिंग 5 o'clock मॉर्निंग टू टिल 11 PM रोज काम करदा ना तावी काम मुकदा नहीं है पर मैं ना अपने आप नू ना आईडी विच अपनी पर्सनैलिटी है जी बनाई है कि मैं बिजनेस और परिवार तो इलावा पूरा एक दिन किसी दे पले वास्ते करांगा दिस ही एडिड इन टू हिज पर्सनैलिटी आई है I am trying to learn that. Okay, how to live for others besides all odds and besides ke tusi kitna busy. Thank you so much. Aite sacrifice asi VG da dekh hi rahe hain ki tode pure parivar ne tonu spare kita hoya sangta vaste ke sare bade supportive ne. Thank you. Thanks to whole family. Satish ji, tusi please sanj karna chahunde. थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी सतीश जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही यू आर अनम्यूटेड बट थोड़ी आवाज नहीं आ रही हाँ जी हम बोलो बोलो जी आवाज नहीं आ रही नहीं आवाज नहीं आ रही जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही वी कैन नॉट कोई आवाज नहीं पड़ रही चलो कोई टेक्निकल फॉल्ट होना है साडे कोल एक होर हैगे ने आईफोन दे नाम तो मैं उन्हां नूं रिक्वेस्ट करदा तुसी तद तक ही कनेक्ट कर लो हां जी जुजार जी मैं रिचीपाल यूएस तो बोल रहा हूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग एंड गिविंग मी सम टाइम टू स्पीक सब तो पहले वीर जी का बहुत बहुत थैंक यू एक्चुअली लास्ट वीक का जो प्रोग्राम सीगा आई हर्ड इट ऑनलाइन offline rather main of course Bhupinder Vir ji da thanks karna chahunda but I really liked what Raman ji spoke last week specifically talking about the identity of I being God bahut kamal di vichar sigi unna di vi te plus those two girls from Bombay along with Jasmeet ji who also spoke today so thank you all and It was a wonderful program. Main jada na last week da thoda program hai, I was sharing with my family, in fact, my dad and my daughter. They, when it comes to identity, main ude naal ek example share karda siga. I just wanted to share with the whole sangat here. Jadon asi, main ude naal keh raha siga ki once you have that void created which Raman ji was explaining last week fir pata hai ki hunda when you start looking at people right so the example which I was sharing with her was ki Warren Buffett da na putter da na Peter right so he was given like a $90,000 share when he was like too young in his teenage unne na rather than like holding it which would have been worth $200 million today ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਡੂ ਯੂ ਰਿਗਰੈਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਯੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਰਿਗਰੈਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਬਿਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ $90,000 ਵਿਚ ਵਾਸ ਮਨੀ ਵਰਥ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟੂਡੇ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਸਪੈਂਟ ਇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਮੇਡ ਮੀ ਇਨਵੈਸਟ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਇਨ ਵਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਹੀ ਐਂਡਡ ਅਪ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਲਬਮਸ ਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਆਲ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ
अपनी है एंड हर एक नु अपने आप रियलाइज करना है व्हाट ही शी वांट्स टू बी इन लाइफ है ना. सो सो दैट्स एन एग्जांपल आई वाज Thanks for speaking. So nice of you. So one thing, Virji, which you shared earlier on was about flexibility, right? देखो बड़ी कमाल दा एग्जांपल तुसी अज दिता है कि जदो बंदा फ्लैक्सीबल नहीं रहिंदा ना जिद्दी हो जांदा है एडमेंट हो जांदा है जदो इट्स अ प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ है ना. मैं किसी प्रोफेसर नु सुनदा सीगा, आई विल टेक हाफ अ मिनट, प्रोफेसर नु सुनदा सीगा, वो कहंदा है द कंपनीज हु आर थ्राइविंग टुडे इन पेंडेमिक आर द कंपनीज हु आर वेरी वेरी फ्लैक्सीबल विद देयर बिजनेस मॉडल. लाइकवाइज जदों ह्यूमन बीइंग भी अपना फ्लैक्सीबल रहेगा ना, वो भावें फैमिली विच रहिंदा है ते भावें काम ते रहिंदा है, दे विल ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्फ विथ द फैमिली है ना. फिर वो अपनी आइडेंटिटी नू लूज नहीं करेगा. अदरवाइज बड़ा अक्सर देखा गया है पेंडेमिक विच ना पीपल गो इन डिप्रेशन बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि अक्सर दे वांट दे आर हैबिचुअल टू गो टू वर्क, दे आर हैबिचुअल टू डू थिंग्स इन अ रेगुलर वे. पेंडेमिक आने नाल दे डोंट नो व्हाट टू डू, वॉइड क्रिएट हो गया. I'll stop right there. So thank you for giving me time. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Oh, nice of you. Thanks for sharing. Great, great, great. You are. Thank you, Vijay. Richipal Ji, thank you for joining in. Main sabnu zarur Richipal Ji di introduction dena hai. Sade US team de bahut senior member hai gane and Vijay Ji nu jadon vi Vijay Ji America hunde ne shabd vichar vich unhan di jehdi team hai hai unhan vich Richipal Ji aur Dr. Saab aur CDV Ji sare hunde ne. And they are a really big support to him when he is in US. And aisa da sara networking and website vagera bhi handle kar dene. Richipal Ji, we welcome you. And hopefully you will join us every week like this and share something with us. Thank you so much for joining us. Haan ji, Satish ji. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vir ji, main on awaaz aa rahi hai? Bilkul aa rahi hai, go ahead. Te oh main वीर जी जिम्मे कह रहे सी कि वीर जी दी फैमिली है साडे आगरे च, एक वीर जी दे रिलेटिव्स ही हैगे, ओही कहंदे सी कि उन्ना दी फैमिली है यूएस च एग्जांपल हैगा, इट्स एन एग्जांपल पूरे यूएस च, एंड दैट फैमिली इज एन एग्जांपल फॉर ऑल द पीपल. तो जो अज सुखवंत भाभी जी ने जो शेर बोलिया है, जिंदगी का किरदार ऐसे निभाए जो पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे. मार्वलस मार्वलस मार्वलस, नो वर्ड्स टू से. क्या जिंदगी का किरदार ऐसे निभाएं जो पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें. भाई वाह, शुक्रिया, मेहरबानी. ते बिफोर वी वाइंड अप द क्लास, जसमीत जी वांट्स टू से समथिंग. वी जी जस्ट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट. हां जी, होने ना जो वीर जी सी वो कहते वैसे उन्होंने वॉरेन बफेट एक एग्जांपल देते. वॉरेन बफेट का मुझे एक कोट याद है. वॉरेन बफेट कहता है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग what you are doing. On oda jo context it's related to financial markets, but oh it cheez hai samjhne wali, kehta hai risk comes from not knowing what you are doing. Jadon assi oh cheez apni identity vich vi le aaye na ki assi jo kam karde paya ode consequences ki honge samaj vich saadi zindagi de vich kisi hor de dil te, fir kidhar na kidhar assi eho ji identity bana dange jis karke ek change samaj di sirjana ho sake, jis layi Puminder Vir ji ne mainu lagda apni puri zindagi pa di hai. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Haan ji ji, tusi please is topic nu conclude karo, fir assi sakta to ijazat chahunga. Thank you. Next to हाँ जी, तुसी बोलो फिर मैं अपना पॉइंट जेड़ा मेरा रह गया सी विच मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दो मिनट लगा मैं तो बस इतना बोलना है कि सतीश जी ने मेरी वाइफ दे शेयर नो दोबारा तो एक्सप्लेन करके क्लैपिंग करके मेरा सिर उच्चा कर दिता और मैंने यह रियलाइज करा रहा है कराया है तुहाडी वोटी वोटी नहीं है, तुहाडी वोटी शायर भी है और ग्रेट. थैंक यू जी. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਹਿਚਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਹਿਚਕਦੀ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਕਦੀ ਸੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਮੈਨੇਜ.
ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ ਇਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚੀਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਬੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟੋਪ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਗ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਕਹੇਗੇ ਲੋਕ, ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।